डेस्क जो है वहां पर लगा हुआ है वहां पर आप जाके ज्यादा माहिती ले सकते हैं थैंक यू जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वी आर वेलकमिंग मुंबई डब्बा वाला डिग्नेटरीज मिस्टर रामदास करवंदे द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई डब्बा वाला विथ हिज स्पोक्स पर्सन मिस्टर रितेश आंद्रे इस डिवाइन होलीनेस परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और परम पूज्य त्यागवल्लभ स्वामी जी के आशीर्वाद से चलिए आज से आज के इस जीरो टू हीरो मुंबई डब्बा वाला आम से खास एक्सपर्ट टॉक की शुरुआत करते हैं बाय रिलीजिंग ट्राई कलर बलून्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे गेस्ट और डिग्नेटरीज आ चुके हैं दे आर अबाउट टू रिलीज द बलून जोरदार तालियां हो जाए एवरी वन ट्राई कलर फ्लाइंग फ्री इन द स्काई नीता दीदी, प्रमोद कुमार सर फ्रॉम आत्मीय स्कूल और इसके साथ ही आज के हमारे एक्सपर्ट्स मिस्टर रामदास करवंदे प्रेसिडेंट डब्बावाला एसोसिएशन और मिस्टर रितेश आंद्रे बट मिनट मैं देख रहा हूं यहाँ पर हमारे सारे गेस्ट तो है पर मुंबई डब्बावाला जो हमारे आज के गेस्ट्स हैं जो हमें आज बहुत अच्छी जानकारी देने वाले वो कहीं दिख नहीं रहे कहां है मुंबई डब्बा वाला देखिए इर्द गिर्द देखिए कहीं कहीं और से तो एंट्री नहीं है एंट्री और खुशियों का डिब्बा लेकर हमारे सबके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं मिस्टर रितेश आंद्रे स्पोक्स पर्सन मुंबई डब्बा वाला सुपर तालियां रुकनी नहीं चाहिए उसी के साथ ही मिस्टर रामदास करवंदे प्रेसिडेंट मुंबई डब्बा वाला वेलकम सर आपका हार्दिक स्वागत है साथ ही हमारे आज के गेस्ट मैं उनको भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा और रजिस्ट्रार सर डॉक्टर दिव्यांग सर डॉक्टर आशीष कोठारी सर डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन मिस्टर डी वी मेहता प्रेसिडेंट सेल्फ फाइनेंस स्कूल एसोसिएशन राजकोट यस प्लीज मेहता सर टेक यू सीट ऑन द स्टेज मिस्टर दर्शित जानी इनोवेटिव स्कूल मिस्टर मोलिक दिलवाड़िया ट्रस्टी बी एम पटेल स्कूल एंड डॉक्टर विशाल कासगेवाला सर डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस and कॉमर्स वेलकम ऑल द guests. सभी का स्वागत और अभिवादन करते हैं जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों जैसे कहा जाता है कि एक ही ऐसी चीज है पूरे विश्व में जो हमें ज्ञान प्रदान कर सकती है वो है ज्ञान की रोशनी तो रोशनी समान हमारे साथ इतने सारे दिग्गज हैं तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे हम टू स्टार्ट द सेरेमनी बाय लाइटिंग द लैंप आई वुड इट रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस सभी मेहमानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टू स्टार्ट द ओकेजन बाय लाइटिंग ऑफ द लैंप ऑल गेस्ट जैसे कि कहा जाता है प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना में शब्द का नहीं भावनाओं का महत्व होता है तो इसी विचार के साथ आई वुड रिक्वेस्ट अवर टेक्निकल टीम टू प्ले द प्रेयर फॉर ऑल एफर्स स्वामीनारायण हमारी यहां की संस्कृति है हमारे पधारे हमारे घर पधारे मेहमानों का हम स्वागत करते हैं तो यहां पर एक छोटा सा गुजराती सेंटेंस जो एक वाक्य जो एक पंक्ति है रसम ऐनी नोखी नियम साओ जुदा हमारे मन शब्दों कंकु ने चोखा तो इस शब्द रूपी पुष्प से स्वागत करते हुए और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर्मेश जीवानी सर को टू ऑफर गार्लैंड टू ठाकुर जी थैंक यू धर्मेश सर नाव आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर समीर वेदे सर टू ऑफर गार्लैंड टू स्वामीजी समीर सर अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा धर्मेश जीवाणी सर को कि वो हमारे रामदास करवंदे जो कि प्रेसिडेंट है मुंबई डब्बा वाला के उसका स्वागत करें खेस और मोमेंटो प्रदान करके रामदास सर आपका स्वागत है आज भी यूनिवर्सिटी में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आशीष कोठारी सर को कि वो वेलकम करे खेस और मोमेंटो देकर मिस्टर रितेश आंद्रे का जो कि स्पोक्स पर्सन है मुंबई डब्बा वाला मोस्ट वेलकम रितेश सर आपका स्वागत है आज यूनिवर्सिटी में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर्मेश सर को कि डी वी मेहता सर का स्वागत करें प्रेसिडेंट सेल्फ फिनांस स्कूल्स एसोसिएशन राजकोट वेलकम मेहता सर हार्दिक स्वागत है विदाउट फर्दर अड यू अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आशीष कोठारी सर को कि वो आकर वेलकम एड्रेस करे आशीष कोठारी सर ही इज़ अ डिवाइन होलिनेस परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामीजी महाराज परम पूूज्य प्रेम स्वरूप स्वामीजी महाराज अवर गाइड मेंटर एंड बिकॉज ऑफ होम दिस एंटायर कैंपस ऑफ आत्मीय इज सो वाइब्रेंट परम पूज्य त्यागवल्लभ स्वामीजी महाराज धर्मेश भाई जीवाणी ट्रस्टी डॉक्टर समीर वैद्य सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड सेक्रेटरी ऑफ सर्वोदय कलौनी समाज अवर डिस्टिंग्विश गेस्ट श्री रामदास कारणवंदे सर प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई डब्बावाला श्री रितेश आंद्रे सर स्पोक पर्सन

Guests from 19 schools colleges institutions and university as well as all dear students from various disciplines present in this vibrant place welcoming mumbai dabbawala at atmia university so I welcome on behalf of Atmir University, I welcome all of you in this gathering wherein we will be witnessing how an illiterate person can become the person whose, whose concept can be taken in various institutions like IIM. एज़ वेल एज हार्वर्ड स्कूल तो बात करने की शुरुआत करें हम हम हमें क्या लगता है जो मुंबई डब्बा वाला हम हमने काफ़ी सारे हम सब ने सुना है कि मुंबई डब्बा वाला है राइट तो किसने शुरू किया होगा आई वॉज गोइंग थ्रू मैंने ये पढ़ना शुरू किया जैसे मुंबई डब्बा वाला जी आने वाले हैं तो कहाँ से शुरू हुआ ये अभी तो गूगल है तो हमको सबको मिलता है तो ये शुरू किया हम देख रहे थे कि कहाँ से शुरू हुआ तो ये यानी पूरी बात तो जैसे स्पोक पर्सन हमारे रितेश जी है वो बताएंगे ही लेकिन थोड़ी सी बात जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी इस प्रोग्राम में डब्बावाला वाला जी के लिए जो भी बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो मैं आपसे प्रस्तुत करूंगा सो जो शुरुआत की वो एक सर्विस मैन था एक मुंबई डब्बा वाला जिन्होंने शुरुआत की वो एक सर्विस मैन था जहाँ पे वो सर्विस कर रहे थे उसके ओनर जो थे वो एक दिन डब्बा भूल गए अपने घर से लाने के लिए डब्बा भूल गए और उन्होंने इस पर्सन को ऐसा बोला कि मैं अपना डब्बा भूल गया हूँ क्या आप मुझे ला दे सकते हो तो उन्होंने ये सोचा कि इस यानी जो सर्विस कर रहे थे जो जिन्होंने शुरुआत की हूँ उन्होंने ऐसे सोचा कि ये चीज़ मुंबई में यानी मुंबई से ही शुरुआत हुई तो ये चीज़ तो मुंबई में काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकती है हो रही होगी सो देन ही स्टार्टेड विथ ए सिंगल टिफिन जो जो सबसे पहला उसका जॉब वर्क था हम जो बोल रहे वो एक टिफिन के साथ हुआ था और वी आर वेरी मच मीन्स वी आर वेरी मच हैप्पी और उनसे बात हो रही थी तो अभी यानी बिफोर कोरोना उनका टिफिन नंबर ऑफ टिफिन नंबर ऑफ बॉक्सेस वो कितने थे आप में से कोई गेसेस कर सकता है टू लेख एक टिफिन से शुरुआत की और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दो लाख डब्बा लेकिन दो लाख डब्बा वो कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात ये है कि प्लेसिंग द राइट थिंग इन टू द राइट प्लेस जो हम सिक्स सिग्मा बोलते हैं जो हमारे स्टडीज़ में आता है सिक्स सिग्मा प्लेसिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस आप देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं काफ़ी सारे फैकल्टी मेंबर बैठे हैं टीचर्स बैठे हैं हम देखिए है कि हमारी कोई पढ़ने की चीज़ है मान लीजिए कि एक पेंसिल भी है या फिर एक पेन है तो वो भी हमें भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पे प्लेस की है दो लाख डब्बा विथ नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट एक्यूरेसी जहाँ से लेना है वहीं से लिया जाता है जहाँ पर पहुँचाना है वहीं पे पहुँचता है विदाउट एनी डिले ऑल्सो डिले भी नहीं यानी राइट right जगह पे राइट right प्लेस पे राइट right टाइम पे ये डिलीवरी होती है पूरे मुंबई में मुंबई इतना बड़ा एरिया कहाँ से लेना है तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको हम अपनी स्टडीज़ में पढ़ते हैं कॉमर्स वाले हैं एमबीए वाले हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपनी स्टडी में पढ़ते हैं तो द बेस्ट एग्जाम एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस सप्लाई चैन मैनेजमेंट वी कैन से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है और ये सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल है बिगेस्ट तो ठीक है लेकिन द हाइस्ट सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल है वो हम मुंबई डब्बावाला जी को भी दे सकते हैं सो so, और इनके बारे में काफ़ी सारा यानी बाद में भी पढ़ना हुआ कि आई आई एम अहमदाबाद जो बेस्ट बिजनेस स्कूल बताया जाता है उन्होंने भी इनके ऊपर केस स्टडी किया और उनका पेपर वाइट पेपर के रूप में भी काफ़ी प्रचलित हुआ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी यानी हमने जैसे आत्मीय यूनिवर्सिटी को उनको यहाँ पे निमंत्रित किया है और इतनी सारी गैदरिंग हुई है और उनको सुनने आए हैं उनको देखने आए उनको समझने आए राधर देन देखने और सुनने हम उनको समझने आए हैं कि कोई एक छोटा सा बिजनेस एक छोटा सा आइडिया अभी जैसे हम आइडिया स्टार्टअप की बात कर रहे हैं छोटा सा आइडिया कैसे सक्सेसफुल हो सकता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है तो जैसे आत्मीय यूनिवर्सिटी ने भी उनको बुलाया है सिमिलरली आप देखिए हावर्ड बिजनेस स्कूल जो वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड माना जाता है उन्होंने भी इनको वहाँ पे बुलाया है और उनकी केस स्टडी पूरे जो बिज़नेस स्कूल है उसमें आ, वो लोग देंगे सिमिलरली गिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ, इनका नाम है तो अब बाद में ऐसा हुआ कि दो लाख डब्बे थे बिफोर कोरोना जैसे ही कोरोना आया तो उनके डब्बे यानी कोरोना की कंडीशन हमें पता है कि घर से बाहर भी निकल नहीं पाते थे तो डब्बे भी नहीं थे तो डब्बे की जो संख्या है जो काउंट है वो घट के बीस हज़ार या तीस हज़ार इतना हो गया था लेकिन आप देखिए जैसे हम यूमानिटी की बात करते हैं हम बिजनेस की बात करते हैं हम इकोनॉमी की बात करते हैं पैरेलल हम ह्यूमानिटीज़ की भी बात करते हैं कि एक ह्यूमन कैसा होना चाहिए और कोरोना में हमने काफ़ी सुना जैसे यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं स्टूड फैकल्टी मेम्बर भी बैठे हैं सब बैठे हैं कोरोना की कंडीशन में हमने काफ़ी ऐसी बातें सुनी कि बिकॉज देर वॉज़ नो बिज़नेस बिजनेस नहीं मिला इसलिए अपने कर्मचारी है अपना स्टाफ मेंबर है उनको काफ़ी सारे कंपनी ने या तो निकाल दिया या तो फिर उनकी सैलरी कम कर दी तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कर्मचारियों को ये प्रॉब्लम हुआ कि उनका घर भी नहीं चल रहा था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड लेकिन इन्होंने एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल सेट किया ह्यूमानिटीज़ का वो क्या एग्ज़ाम्पल था कि उन्होंने यानी सभी जितने भी डब्बा वाला के जितने भी कर्मचारी हैं जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके अंडर में काम करने वाले उनको सैलरी विदाउट कटिंग एनी पेनी सब जो सैलरी पूरी अमाउंट है वो दी कैसे दी वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है 90 करोड़ आई थिंक दिस इज द राइट आंसर 90 करोड़ रुपीज़ उन्होंने सी एस आर फंड से लिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सी एस आर फंड से लिए और सभी को सैलरी दी एक भी रुपया काटे बिना सबको सैलरी दी इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑल्सो तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं बट बिकॉज वी आर हियर टू लिसन टू देम टू सी द केस स्टडी ऑफ देम सो बाकी की बात जो हमारे रितेश जी है वही बताएंगे अंत में आ, सभी जितने भी स्कूल्स है जितने भी प्रिंसिपल्स है जितने भी ट्रस्टी है जो भी ऑनर है उन्होंने अपना टाइम निकाल कर ये एक प्रोग्राम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे हैं हमारे बच्चों के लिए एक लाइव केस स्टडी हमको सुनने मिलेगा ऐसा समझ के जितने भी ट्रस्टी और स्कूल 19 टोटल है स्कूल और कॉलेजेस उनके जो ट्रस्टीज़ फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स और स्टाफ मेंबर्स, जो भी आए हैं आत्मीय यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं उसका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और उसको बधाई देता हूँ कि इसने बड़े मास में ये जो बच्चे हैं, इतने डिसिप्लिन बच्चे हैं, वो भी आए हैं तो हम सबको यहाँ पे बैठे सब सबको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिले सीख के जाए ह्यूमैनिटीज़ की ओर एक कदम हमारा और बढ़े हमारे में भी ह्यूमैनिटीज़ आए वैल्यूज़ इंकल्केट हो जैसी त्याग स्वामी जी की भावना है जैसी हमारी इंस्टीट्यूशन की भावना है कि स्किल तो हम कोई भी ले, लेकिन साथ साथ में ह्यूमन वैल्यू भी ले, वैल्यू का इनकलकेशन हो ह्यूमन हम ह्यूमन बने और इनो की तरह कोई कंपनी अगर हमारे पास है तो हम भी उनका ध्यान रखें क्योंकि जब जब हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं जैसे इनको सी एस आर फंड नाइन्टी करोड़ मिला उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे एक भी कर्मचारी को निकालना नहीं है एक भी अपने स्टाफ की सैलरी कम नहीं करनी है तो उसको कुदरत ने हेल्प की नेचर ने हेल्प की वैसे ही कोई भी अच्छा विचार विदाउट द हेल्प ऑफ द नेचर विदाउट द हेल्प ऑफ गुरु गुरु जी विदाउट द आशीर्वचन ऑफ गोड नहीं मिल सकता तो अच्छे जो भी विचार है उसको ये सब हेल्प मिलती ही है तो वही शुभ भावना के साथ यहाँ पे मैं अपना वेलकम स्पीच पूरा करता हूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आशीष सर फॉर योर काइंड वर्ड्स आगे चलते हुए नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डी वी मेहता सर टू ब्लेस द ऑडियंस विद हिज काइंड वर्ड्स डी वी मेहता सर प्लीज नमस्कार जय स्वामीनारायण रिस्पेक्टेड रामदास जी रितेश जी माय यंगर ब्रदर धर्मेश जी डॉक्टर विशाल काक्षीवाल प्रमोद सर मन्ना दीदी ऑल अदर रिस्पेक्टेड Guest on the dais of the dais, all the trustees, principals, teachers, and especially the future aspirants, all the students. First of all, you put your hands together for all of you. We re really welcome all of you from the bottom of our hearts because you being the audience to the wonderful event.

उसका केस स्टडी आज एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी में हो रहा है इन फ्रंट ऑफ मैनी पी एच डी मैनी डॉक्टरेट्स मैनी मास्टर डिग्री होल्डर्स एंड द फ्यूचर स्टूडेंट्स आप सब बहुत समझदार हो फ्रेंड्स More than 135 years, just we had very small interaction. I was saying so saal si system children. That more than, more than 5,000 people they are working, more than two lakhs tiffin the daily they are delivering, and so many different concepts which is, the Ritesh Ji is going to deliver later on. But what I want to say today's. Creativity is tomorrow's common sense. Today's creativity is tomorrow's common sense. For the same, what we required, students, we required not only the knowledge. What Albert Einstein is saying that imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. हमारी कल्पना शक्ति हमारे ज्ञान से ज्यादा अहमियत रखती है क्यों बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिनेशन एंड सर्कल द वर्ल्ड पूरे दुनिया को इमेजिनेशन घुमाती देखते पूरा हिंदुस्तान सार्क टैंक आप में से कितने देखते है सार्क टैंक Good put your hands together for all these students, those who have raised their hands. Very good. That means you have a creativity inbuilt among yourself. Very good. Put your hands together for those who have raised their hands. So, Ajpura, Hindustan, Pured creativity, innovation, mein rahe. India is having 87 unicorn companies. बट ये सब इनोवेशन से क्रिएटिविटी से होता है सो बट आई डीड टॉक टू यू इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज और सबसे ज़्यादा इनका एजुकेशन कभी क्या एजुकेशन हमें लिमिटेड हमारे थॉट्स को लिमिटेड कर देता है सो ज्यादा एजुकेशन इज रियली हाईली एक्सपेक्टेड बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल बीइंग द चेयरमैन ऑफ मैनी इंस्टीट्यूट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन आई शुड नॉट से दिस बट विद नॉलेज इमेजिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के आपके हौसले बुलंद होने चाहिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है इनके सपनों में जान थी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है आज हमें इनको सुनना है हम फिर कभी आपसे रूबरू होंगे तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद खास करके और स्ट्रॉन्गली एट टूगेदर फॉर आत्मी यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट को उजागर करने के करने के लिए हम सबको यहां बुलाया थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय स्वामीनारायण थैंक यू सो मच डीवी मेहता सर जो कि प्रेसिडेंट हैं सेल्फिन स्कूल एसोसिएशन राजकोट के अब आप सब जिसकी तमन्ना लेकर घर से निकले थे आज मुझे मालूम है आज आप सैटरडे का दिन है स्टूडेंट सारे जो हैं यूनिफॉर्म में सच दज के पहुंच चुके हैं जिसको सुनने के लिए आए हैं तो उसी को हम बुलाने जाएंगे मुंबई की खास विशेषताओं में मुंबई लोकल मुंबई का समुद्र मुंबई की भीड़ मुंबई का रोजगार है लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध कराकर मध्याहन की भूख मिटाने वाले डब्बा वाले पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है लोगों को अपने घर से दूर कार्यस्थल पर घर का खाना पहुंचाना ये ही अपने आप में एक बहुत ही नेक और पुण्य का काम है जो इन सारे डब्बा वाले ये <laughs> सारे डब्बा वालों को जीरो से हीरो बनाता है अग्री करते हो हाँ जो भी स्टूडेंट्स घर से दूर गए हैं और घर का खाना मिलता है या आगे चलकर जब जॉब करोगे और घर का खाना मम्मी के हाथों का खाना नहीं मिलेगा तब आपको पता चलता है कि घर से दूर घर का खाना मिलना एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है <laughs> अग्री करते हो सारे यस और नो यस तो घर का खाना घर का खाना आता है वो एक इमोशन है मुंबई डब्बावाला इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन इमोशन राइट तो वहां पर आपके इमोशंस है कि आपको आज एक अच्छा और हाइजेनिक घर का खाना मिलने वाला है तो आइए आज के मुख्य अतिथि का इस विषय पर चर्चा करने के लिए तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं मिस्टर रितेश आंद्रे द स्पोक्स पर्सन ऑफ मुंबई टपावाला जय स्वामीनारायण वेल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की आर यू एक्साइटेड नॉट यस आर नो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू द अमीठी सॉरी आत्मी यूनिवर्सिटी डॉक्टर धर्मेश जिवाणी सर समीर सर डी वी मेहता सर डॉक्टर विशाल

मो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट बट दोस्तों आप सभी को मुंबई डब्बा वालाज के बारे में यही पता होगा कि मुंबई डब्बा वालाज खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो अपने कस्टमर को सेल करते हैं वो बेचते हैं बट माई फ्रेंड दैट इज़ नॉट डब्बा वाला डब्बा वाला मीन्स यू नो वॉट वी आर कलेक्टिंग योर लंच बॉक्स फ्रॉम योर होम खाना भी आपका है लंच बॉक्स भी आपकी का होगा सुबह नौ बजे के बाद डब्बा आपके घर आएंगे आपका लंच बॉक्स पिक करेंगे और आप ही के ऑफिस में दोपहर के एक बजे के पहले ये लंच बॉक्स आपके टेबल पर रख देंगे अभी एक बजे के पहले क्यों बिकॉज मुंबई आप सभी को पता है कि मुंबई ये माया नगरी है एक ड्रीम सिटी है और ये ड्रीम सिटी का लंच टाइम है दोपहर के एक बजे का एक से लेकर दो के बीच में सभी के ऑफ़िस में लंच टाइम हो जाता है तो एक बजे के पहले डब्बा डिलीवर करना दैट इज़ आवर स्पेशली टारगेट तो सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर के एक बजे तक ये सारी एक्टिविटी जो होती है उसे हम वॉर टाइम कहते हैं ये वॉर टाइम हमारे लिए क्यों है बिकॉज ये टाइम में अगर आप डबा के साथ डबाला के साथ बात करना भी चाहोगे तो भी आपके साथ डब्बा बात नहीं करेंगे बिकॉज उनके लिए ये टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है यू कैन सी इन द पीपीडी प्लीज पे पीपीडी फर्स्ट स्लाइड सी यहां पर आपने देखा होगा एक एक कार्टून है जो आपसे नमस्ते कर रहा है विद अ वाइट कैप विद अ वाइट कुर्ता ये वाइट कैप आज डब्बा वालस की आइडेंटिटी है आपको पता होगा कि वाइट कैप की अगर कीमत अगर आपने करी तो 20 या 30 रुपए में ये आपको वाइट कैप किसी भी मार्केट में मिल जाएगी बट ये तो व्हाइट कैप अगर किसी भी डब्बा वॉल्स ने डब्बा देते समय अगर नहीं पहनी होगी तो उसको हज़ार रुपये से ज़्यादा फाइन देना पड़ता है यही है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे डब्बा वालस में कि जो रूल्स और रेगुलेशंस आज हमारे 130 सालों में बने हुए हैं वो अगर कोई भी ब्रेक करता है तो उसको भारी भुगतान देना पड़ता है तो रूल्स और रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यू कैन सी मुंबई डब्बा वाला देर आर थ्री वर्ड्स बेसिकली यू नो वाई वी आर यूजिंग मुंबई बिकॉज मुंबई इज़ अ सिटी नेम राइट तो ये मुंबई डब्बा वाला मुंबई का नाम की यूज़ करते हैं बिकॉज हमारी ये डब्बा सर्विस सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही है आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी ना किसी शहर में ना किसी देश में सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही यह डब्बा सर्विस आज तक चलती आई हुई है डब्बा और, वा, और वाला देर आर टू वर्ड्स बेसिकली डब्बा मीन्स बॉक्स एंड वाला अ पर्सन हु कैरी दिस लंच बॉक्स सो so, देर आर सम वर्ड्स इन हिंदी लैंग्वेज पानीपुरी वाला लोखंड वाला सब्जी वाला राइट right? सब्जी वाला सब्जी बेचते हैं लोखंड वाला लोखंड बेचते हैं पानीपुरी वाला पानी बेचता है पानीपुरी बेचता है सॉरी बट हम डब्बा वाला कभी भी डब्बा नहीं बेचते हम सिर्फ और सिर्फ डब्बा डिलीवर करने का ही काम करते हैं और वो डब्बा वाला के नीचे आपने एक वर्ड देखा होगा इट्स ओनली बाय हेल्पिंग इच अदर यू कैन अचीव अ गोल इट्स ओनली बाय हेल्पिंग इच अदर मीन्स वॉट मीन्स टीम वर्क ग्रुप एक्टिविटी अगर आप टीम के साथ काम नहीं करोगे आप कोई भी काम हो आज आप स्कूल में पढ़ते हो कॉलेज में पढ़ते हो कोई भी एक्टिविटी अगर हम टीम के साथ नहीं करेंगे हमारे ग्रुप के साथ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे ऐसे सब डब्बा वाला उसका मानना है जो भी हम काम करेंगे वो एक को नहीं करना है हम सभी को मिलकर करना है इसी के वजह से आज वाला टीम एक्टिविटी ग्रुप को एक अच्छे तरह स्थान पर मानते हैं हमारी ये जो टैग लाइन है ये किसी आ, सप्लाई चेन के बारे में या फिर किसी खाने के बारे में नहीं है ये हमारी सप्लाई चेन टीम वर्क के बारे में है सप्लाई मतलब हमारे ग्रुप के बारे में है यही सबसे बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट वन प्लीज मिस्टर महादू हाउजी बच्चे 130 साल पहले जैसे सर ने कहा कि 130 साल पहले हमारे जो फाउंडर है मिस्टर महादू भाजी बच्चे मुंबई में ज़्यादातर पारसी लोगों का राज था ज़्यादातर लोग वहां पर ट्रेडिंग करते थे पारसी लोग उनको हम पारसी बैंकर्स कहते थे एक दिन क्या हुआ कि हमारे हमारे जो फाउंडर है ये उनके साथ ऑफिस बॉय थे मतलब ऑफिस बॉय का, का काम करते थे अब 130 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम खाना 15 या 20 मिनट में पका पाए तो एक दिन एक एक बार क्या हुआ कि वो हमारे जो पारसी बैंकर्स थे उन्होंने हमारे फाउंडर से कहा सर मेरा लंच बॉक्स आप कैरी करके लेके आओ मैं आज ऑफिस के लिए जल्दी निकल रहा हूँ मेरा खाना अभी तक रेडी नहीं है तो हमारे फाउंडर ने कहा क्यों नहीं मैं ये कर सकता हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू किलिंग द हंगर ऑफ समन राइट किसी की तो भूख मिटाने का काम मैं करने जा रहा हूँ ये गॉड गिफ्टेड वर्क है ये मुझे करना ही है और उन्होंने ये काम किया ही स्टार्ट विद विदन कस्टमर वन लंच बॉक्स वन डब्बा वाला वी कैन से टूडे वी हैव मोर देन फाइव थाउजेंड एम्प्लॉयज़ 5,000 थाउजेंडाजी डेली डिलीवर टू हंड्रेड थाउजेंड लंच बॉक्स एक डायलॉग है हिंदी मूवी में बट हमारे डाबा वाला कहते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर तो नहीं बट डब्बे वाले जरूर है बिकॉज हमने अंग्रेजों को भी डब्बा डिलीवर करने का काम किया है आज हमारा आज हर भारतीयों को डब्बा डिलीवर करने का काम करते हैं क्या आज अभी आप स्लाइड में देख रहे हो गे दिस इज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट आर सर्विस वी हैव स्टार्टेड इन 1890 स्लाइड प्लीज वी हैव स्टार्टेड इन 1890 नाइन्टी बे पिछला स्लाइड प्ले करो प्लीज यस हमने शुरुआत की 1890 में 130 साल पहले हम सोच भी नहीं पाएंगे कि 130 साल पहले शुरू हुई एक संगठना आज भी उसी डेडिकेशन से काम कर रही है वी रजिस्टर दिस सर्विस अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट मुंबई डब्बा वाला यह कोई बिजनेस नहीं है यह कोई कंपनी नहीं है एक ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी जो ट्रस्ट है ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसे रजिस्टर किया गया 1956 में टोटल वी हैव 5000 थाउजेंड एम्प्लॉयज एंड वी डेली डिलीवर टू हंड्रेड थाउजेंड लंच वॉक्स दैट मीन्स वी आर डूइंग फोर हंड्रेड थाउजेंड ट्रांजेक्शन एवरी डे मतलब आपसे घर से डब्बा पिक करने के बाद आपके ऑफिस में उसे डिलीवर किया जाता है आपका लंच खत्म होने के बाद वो एम्प्टी लंच बॉक्स आपके घर आपके ऑफिस से पिक करने के बाद उसे वापस आपके घर में पहुंचाना ये हमारा काम है मतलब एक कस्टमर के लिए दो बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब दो लाख कस्टमर डेली चार लाख ट्रांजेक्शन डबॉलस के थ्रू किए जाते हैं और आप देख सकते हो कि ये जो दो लाख ट्रांजेक्शन होते हैं ये सुबह नौ से लेकर दोपहर एक बजे के पहले मतलब विद इन फोर टू थ्री टू फोर आवर्स के बीच में सभी के सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए जाते हैं मुंबई में आज बहुत सारी कुरियर कंपनीज़ है बहुत सारे फूड डिलीवरीज ऐप भी आ चुके हैं कुरियर कंपनीज आज भी तरस रही है कि एक ही दिन में डिलीवरी दे आज आप कोई भी पार्सल आप भेजो आपको कोई भी ऑनलाइन आप पार्सल ऑर्डर करो आपको तीन या चार दिन के बाद ही वो पार्सल आपको मिलेगा या फिर अभी किसी को अर्जेंटली अभी मुंबई में एक नॉर्मल एक पेपर भी भेजना होगा तो भी वो आज के दिन नहीं जाएगा वो कल जाके डिलीवर किया जाएगा तो वेरियस कंपनीज़ दे आर यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी हाई एजुकेट पीपल प्राइवेट वहीकल दे आर यूजिंग पेपर प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है टेक्नोलॉजी के बेस्ट सिस्टम बनाई चुके हैं लेकिन आज भी वो लोग तरस रहे हैं कि एक दिन में पार्सल कैसे डिलीवर करें लेकिन मुंबई में आप अगर सुनोगे दो लाख ट्रांजेक्शन किए जाते हैं विद इन फोर आवर्स विदाउट पेपर विदाउट प्लास्टिक विदाउट टेक्नोलॉजी विदाउट मोबाइल फोन विदाउट प्राइवेट वहीकल इवन विदाउट एनी एजुकेट पीपल कैन इमेजिन हाउ इज इट पॉसिबल नो मोबाइल फ़ोन किसी को फोन नहीं किया जाता नो no टेक्नोलॉजी किसी भी ऐप के बेस पर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा डब्बा किस जगह से पिक करना है नो पेपर की टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर पेपर के ऊपर लिख कर हम बताए देंगे कि ये एड्रेस पे आपको जाके डिलीवर करना है किसी पेपर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता तो नो पेपर नो प्लास्टिक नो टेक्नोलॉजी ये पाँच हज़ार लोग दो लाख डब्बा कैसे डिलीवर कर लेते हैं और विद इन फोर आवर्स जो आज तक किसी को नहीं जमा ये डब्बा वाला चार घंटों के भीतर कैसे कर पाते हैं यही सबसे बड़ा एक कार्य आज डब्बा हल्स ने किया है जिसकी वजह से आज डब्बा हलस को पूरे जग में जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है मुंबई डब्बा हॉल की सर्विस आज पूरे मुंबई में शुरुआत मतलब पूरे मुंबई में काम करती है मुंबई एक इज वेरी स्मॉल सिटी अगर आप देखोगे आपने मुंबई के बारे में अगर पढ़ा होगा चर्चगेट से लेके माहिम तक ही मुंबई है उससे आगे मुंबई नहीं उससे आगे मुंबई सबब स्टार्ट होते हैं मुंबई के दूसरे इलाके स्टार्ट होते हैं मुंबई सबब स्टार्ट होता है उसके बाद मीरा भाईंदर देन कल्याण डोंबिवली विरार चर्चगेट सॉरी विरार अब वसई विरार एरिया न्यू पनवेल न्यू बॉम्बे ऐसे अलग अलग सबर्ब्स हैं मुंबई में जहाँ पर लोग ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता जो बहुत सारे जो काम है कॉरपोरेट एरिया है वो डाउन टाउन में है अंधेरी से लेकर चर्चगेट एरिया में तो यहीं पर लोग काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सो डब्बा वाला मुंबई में ही क्यों काम करते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा यही रीज़न है कि हमारे पास काम करने के लिए एक ही जगह है और रहने के लिए अलग अलग जगह है और ये हमारे तीन रेजिडेंशियल पार्ट है विरार से लेके कर गेट कल्याण डोंबिवली से लेके चर्च गेट और बाद में न्यू पनवेल से लेके चर्च गेट ऐसे ये तीन इलाके हैं ये तीनों इलाके हमारे डाउन टाउन से मतलब कॉरपोरेट एरिया से ज्वाइन कर दिए गए हैं लोकल ट्रेन से हार्बर वेस्टर्न और सेंट्रल रूट लाइन आज मुंबई में चलती है हमारा काम है कि वो रेजिडेंशियल पार्ट से डब्बा पिक करना और सभी के सभी डब्बास को डाउन टाउन में लेके आना मतलब शहरी भाग में लेके आना और उसे अपने बिल्डिंग्स में वितरित करना जब डब्बा वाला सुबह घर से निकलता है तो अपने बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं साइकिल का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने आपके सामने जैसे साइकिल पर आने का प्रयास किया उसी तरह से आज सभी डब्बावालाज सुबह पाँच हज़ार साइकिल लेके पाँच हज़ार डब्बे वाले सभी के घर में जाके डब्बा पिक करने के लिए निकल जाते हैं जैसे ही डब्बा पिक करने के बाद जब डब्बा वितरित किया मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही डब्बा डाउन में आ जाता है डाउन में आने के बाद उसे वहां से लेके बिल्डिंग तक पहुंचाने के लिए हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है आप देख सकते हो कि कोई भी फ्यूल कंजप्शन व्हीकल आज डब्बा वाला यूज नहीं करते आज ट्रेन भी चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है सो नो फ्यूल कंजप्शन व्हीकल नो पेपर नो प्लास्टिक दैट मीन्स यू नो वॉट नो पॉल्यूशन इवन नो टेक्नोलॉजी इवन नो टेक्नोलॉजी नो मोबाइल फोन दैट मीन्स नो रेडिएशन

यह हमारे मुंबई के लोग हैं आप देख सकते हो कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है किस तरह से लोग आज ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जो आ रही है ये 10 सेकेंड के लिए ही प्लेटफॉर्म पर रुकती है उससे ज़्यादा नहीं रुक पाती और ये 10 सेकेंड में हजारों के पैगामे में लोग वो ट्रेन में चढ़ते हैं सोचिए है, ये तो लेडीज कंपार्टमेंट है और ये जो लेडीज़ है ये सभी के सभी कॉरपोरेट में जॉब करने वाले लोग हैं उनमें से कोई सीईओ भी है कोई डायरेक्टर्स भी है कोई फैकल्टीज भी है कोई स्टूडेंट भी है कोई नॉर्मल वेजिटेबल सेलर भी है मतलब ये सारे लोगों को जो हमारी जो बैकबोन है इसे हम लोकल ट्रेन कहते हैं नेक्स्ट वन प्लीज़ देखिए ये अभी आज के आप, आपके सामने एक वीडियो आ रही है ये सॉरी वो वीडियो नहीं प्ले हो पाई शायद से ये लोकल ट्रेन में आप सोचिए अगर हम खुद का लंच बॉक्स भी कैरी करें तो वो डब्बा कहीं के कहीं और चला जाएगा हमारी बैग कहीं के कहीं और चली जाएगी क्योंकि हमारे मुंबई की खासियत यही है कि अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो जस्ट उसके दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ लोग आके आपको अंदर ढकेल देंगे तो आपको नहीं भी जाना है तो भी आपको जाना पड़ेगा आपको अगर नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं उतरना है नेक्स्ट स्टेशन पे आपको नहीं उतरना है बट आप गलती से दरवाजे के सामने खड़े हो तो लोग इतना जोर का धक्का आप दे देंगे लोग आपको अंदर से इतना जोर का धक्का दे देंगे कि चालू ट्रेन में ही आपको गिरना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर ये मुंबई की लाइफ है मतलब खुद को संभालना यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो हमारा डब्बा हम कैसे संभालें तो इसी के वजह से आज लोग डब्बा वालों को हायर करते हैं और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट इज़ वी आर इंडियन हम इंडियन ही हमको घर का खाना ही सबसे ज़्यादा पसंद है और हमारा घर का खाना हेल्दी खाना सिर्फ दो ही लोग हमारे लिए अच्छा बना सकते हैं हमारी मदर और हमारी वाइफ ये दो लोगों के अलावा दूसरा कोई खाना अच्छे लिए बना नहीं सकता इसी के लिए आज लोग मुंबई डब्बा वालों को हायर करते हैं और इस केस में आप सोचोगे कि स्विग्गी और जोमेटो आ चुके हैं तो मुंबई के डब्बा वाला उसका क्या काम होगा मुंबई में स्विगी और जोमेटो ये हमारे कॉम्पिटेटर नहीं है बल्कि हमने उनको कभी कॉम्पिटेटर समझा भी नहीं स्विगी और जोमेटो ये ऐसी कंसेप्ट है जो आपको रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल से खाना ला आपको, आपको आपके ऑफिस में दे देगी आप रोज होटल में या रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते और ये स्विगी और जोमेटो ये वन टाइम डिलीवरी कंसेप्ट है लेकिन हमारी जो डब्बा वालस की कंसेप्ट है ये आपको सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड करती है मतलब आप आज ही नहीं तो पूरे सालों के लिए आप डब्बा ऑर्डर कर सकते हो आपके घर से आज भी मुझे बड़ा आनंद होता है कि बताने में कि हमारे आज भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो तीन तीन डिकेट से हमारे कस्टमर हैं तीन तीन पीढ़ियां भी हमारे कस्टमर हैं और आज उनकी चौथी पीढ़ी भी हमारे कस्टमर मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये कैसे होना चाहिए क्योंकि कस्टमर से कैसी बात होनी चाहिए कस्टमर के साथ किस तरह से हमारा नाता होना चाहिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है अगर कस्टमर को हम अच्छे से सर्विस नहीं देंगे तो कस्टमर हमारे से सर्विस नहीं लेंगे आज भी देखो स्विगी जोमेटो के बारे में आपको कहीं ना कहीं तो वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो कुछ उनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जो खाना वहीं से खाते हैं वही पैक करके अपने कस्टमर को दे देते हैं अगर ऐसी सोच लेके अगर हम लोग काम करेंगे तो हम कभी भी हासिल नहीं करेंगे हमारे मकसद को क्योंकि अपना मकसद हमारे डबाउलस का मकसद यही है कि टाइम पर हमारे गॉड को हमारे भगवान को खाना देना यही सबसे बड़े हमारे लिए बात होती है नेक्स्ट वन प्लीज हमारे जितने भी पांच हजार लोग हैं ये सभी के सभी एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हम सभी के लोग महाराष्ट्र के हैं महाराष्ट्र के है, पुणे जिले से बिलोंग करते हैं और पुणे में जो मराठा कम्युनिटी है वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया मराठा कम्युनिटी आप सब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा राइट और रॉन्ग कितने लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है पूरे लोगों ने मतलब आज पूरे विश्व में आज उनका नाम है जब सोलहवीं सेंचुरी चल रही थी तो वो टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज टेररिस्ट को मार के जो आक्रमण करते थे लोग उनको मार के आज लोगों की सेवा करते थे हम सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सोल्जर ही है पर आज तो कोई आक्रमण नहीं हो रहा है तो हम कैसे सेवा करें तो आज भी लोगों की भूकंप को मार के आज लोगों की सेवा करने का अवसर आज हमको मिला है तो हम सभी के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ही मावले हैं और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे कम्युनिटी में जो लोग सबसे ज्यादा भगवान पर विश्वास रखते हैं उनको हम वारकरी कहते हैं आपने वारकरी के बारे में सुना ही होगा वारकरी लोग संत ज्ञानेश्वर के बारे में आपने सुना होगा विठला के बारे में आपने सुना होगा संत तुकाराम के बारे में आपने सुना होगा ये सारे जो भगवान हैं ये सारे भगवान ने एक ही शब्द कहा हुआ है जन सेवा यही सच्ची ईश्वर सेवा है सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड सो पीपल मीन्स सो पीपल मीन्स आर कस्टमर इसका मतलब यही है कि हम किसी कस्टमर को सेवा नहीं दे रहे हैं हम हमारे भगवान को सेवा दे रहे हैं हम हमारे गॉड को सेवा दे रहे हैं अगर भगवान को जरा सी भी गलती कर दी कि टाइम पर डब्बा डिलीवर नहीं किया भगवान तो हमारे को नाराज़ हो जाएगा बरबर कि नहीं तो इसी के वजह से आज डब्बा वाला वेरी डेडिकेटली आज मुंबई में काम करते आ रहे हैं नेक्स्ट वन प्लीज आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस अगर हमें चलाना है कोई भी संस्था अगर हमें चलाना ही है तो हमें एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ा ज़रूरत होती है मतलब आज अगर कॉरपोरेट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट आर एन डी डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट ऐसे नाना तरह के आपको डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे उसी तरह से हमारे एम बी ए में भी कोर्स आते हैं कि एम बी ए इन फाइनेंस एम बी एन एच आर एम बी एन एडवर्टाइजमेंट बराबर कि नहीं बट हमारे डबल में ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट आपको काम करते हुए नहीं दिखेगी हमारे पास सिर्फ दो डिपार्टमेंट है जो सारे पाँच हज़ार लोगों को मैनेज करने का काम करती है दो डिपार्टमेंट हमारी जो एक फर्स्ट है सबसे पहले हमारी जो ट्रस्ट और सेकेंड है हमारी एसोसिएशन हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है मिस्टर उल्लास मुखे और हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर रामदास करवंदे हमारा ट्रस्ट का काम है एक्सटर्नल देर आर टू पार्ट इन बिजनेस यू नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सो इंटरनली जो भी मैनेजमेंट की जाती है रिगार्डिंग फाइनेंस एच कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये सारे जो डिसीजन है ये हमारे एसोसिएशन के अंडर लिए जाते हैं और एक्सटर्नल जो डिसीजन होते हैं लाइक मार्केटिंग के बारे में एक्सपेंशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो भी डिसीजन है या फिर चैरिटी के बारे में या हमारे हमारे ट्रस्ट का काम होता है ये डिसीजन के ऊपर काम करना यह अब स्लाइड में आपको दिखता होगा कि ये जो हमारी ट्रस्ट है ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है और हमारी एसोसिएशन है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है ट्रस्ट ये वर्टिकल है एसोसिएशन ये हॉरिजॉन्टल है यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्टिकल स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आप, आप देख सकते हो यही डिफरेंस के वजह से आज डब्बा वाला हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन के साथ काम करते हैं आज आप जाओगे किसी भी कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आपके ऊपर आपके सुपरवाइजर होंगे सुपरवाइजर के ऊपर कोई डायरेक्टर मैनेजर हो उसके बाद रीजनल डायरेक्टर हो उसके बाद प्रेसिडेंट हो उसके बाद ट्रस्टीज हो उसके बाद कोई और हो कोई इन्वेस्टर्स हो गे. ये सभी लोगों का सुनने के बाद हम नीचे काम करते हैं बरोबर कि नहीं बट हमारे संस्था में ऐसे कोई हाय रहा यहाँ पर डिज़ाइन की नहीं गई है हमारे संस्था में ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है दैट मीन्स यू नो वॉट वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंडर अगर कोई भी ट्रस्टीज है, तो यहाँ पर मेजोरिटी के हिसाब से ही डिसीजन फाइनल किए जाते हैं इसका मतलब यह है कि अगर 10 लोग ट्रस्टीज हैं तो मिनिमम 6 लोगों की पॉजिटिव रिस्पांस आपके कोई भी डिसीजन को आनी चाहिए तभी भी ये डिसीजन फाइनल किया जाएगा अदरवाइज ये कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होता कोई भी सिंगल ट्रस्टीज कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं कर सकते हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चर का ये रूल है बट हमारे जो ये हॉरिजोनटल स्ट्रक्चर का कोई अजीब ही रूल है हमारे हॉरिजोनटल स्ट्रक्चर के अंडर अगर कोई काम करता है तो उसको हंड्रेड परसेंट फ्रीडम दी जाती है आप कोई भी काम करो कैसे भी करो कुछ भी करो किसी भी टाइप का डिसीजन ले लो किसी भी जगह ले लो आपको पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट फ्रीडम दी जाती है आप देखोगे तो हाँ, लास्ट में आपको दिखा होगा कि पाँच हजार लोग यही हमारे एसोसिएशन के अंडर काम करते हैं मतलब हमारे डब्बा वाला सभी खुद के खुद बॉस है उनको खुद का खुद डिसीजन लेने का अधिकार है वो खुद सब कुछ मैनेज कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन टाइम पर डब्बा डिलीवर करना यही सबसे बड़ा टारगेट उनको दिया गया है ये सारे पाँच हजार लोगों को मुंबई में इस तरह से स्प्रेड किया हुआ है कि जिस तरह से बोरोली से लेकर विरार तक सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं मुंबई में तो वहाँ पर ज्यादा डब्बा वॉल्स काम करते हैं उल्लासनगर हो या फिर कल्याण डोंबोली हो वहाँ पर भी ज्यादातर लोग काम करते हैं तो वहाँ पर भी डबा वॉल्स को ज्यादातर एक किया गया है स्प्रेड किया गया हुआ है और ये डब्बा वॉलर्स को हर एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है जैसे पाँच हज़ार लोग हैं हर एक ग्रुप में दस लोग काम करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मुकादम वर्ड है मुकादम मीन्स सुपरवाइजर मुकादम इज अ मराठी वर्ड सुपरवाइजर हमारे पास हमारे पास फाइव हंड्रेड सुपरवाइजर है दैट मीन्स हर एक डब्बा वॉल्स को हमने ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ है एक ग्रुप में दस लोग काम करते हैं एक ग्रुप में एक सुपरवाइजर होता है एक ग्रुप हेड होता है ये दस लोग एक ग्रुप बन एक ग्रुप में काम करते हैं इसी तरह से हमारे पांच हजार लोगों को 500 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है जैसे विले पार्ले स्टेशन है मुंबई में वहां पर ज्यादा रेसिडेंट नहीं है लेकिन डब्बा पिक तो किया जाता है वैसे वहां पर हमारे चार ग्रुप काम करते हैं चार ग्रुप काम करते चालीस डब्बा वाला वहां पर हमारे काम करते हैं नेक्स्ट वन प्लीज हाउ डू दे डू इट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के ये सेमिनार का कि ये काम कैसे होता है इसके पीछे राज क्या हैंड इन विद हाई लेवल ऑफ इंटरनल एक्सलेंस यू नो वॉट इज इंटरनल एक्सेलेंस एंड एक्सटर्नलेंस इंटरनल एक्सेलेंस एंड एक्सटर्नलेंस ये दो जोड़ ऐसे वर्ड है जो आज हमारे पूरे बिजनेस को चलाते हैं एक्सटर्नल एक्सेलेंस मीन्स एक्सटर्नली जो भी चीज़ हमारे बिजनेस में हम यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन पेपर प्लास्टिक प्राइवेट व्हीकल जो भी चीज हम एक्सटर्नली हमारे बिजनेस में यूज करते हैं दैट इज टोटली एक्सटर्नल पार्ट दैट इज एक्सटर्नल एक्सेलेंस बट वाट अबाउट योर इंटरनल एक्सेलेंस आपकी सोच किस तरह से काम करती है आप किस तरह से आपका डेडिकेशन देते हो हंड्रेड परसेंट आप कैसे आप उस काम में दे सकते हो दैट इज योर इंटरनल पावर अगर आप हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन नहीं दोगे तो एक्सटर्नल जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका कोई काम नहीं है बरोबर की नहीं जो भी कुछ हम यूज करते हैं उसका कोई काम नहीं है अगर हम लोग के पास हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन नहीं है हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन तभी आएगा जब हंड्रेड परसेंट आप सेटिस्फाइड हो आप आनंदी हो और हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन तभी आएगा जब आपको टेंशन फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो इसी के ऊपर एक केस स्टडी हुई थी कि आज डब्बावालाज नाइन्टी नाइन परसेंट के साथ काम कर रहे हैं नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन एक के साथ काम कर रहे हैं तो ये हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन आता कहाँ से ये डब्बा वालस हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन देते कहाँ से सो मिस्टर प्रदीप देश पांडे ही इज़ फ्रॉम यू एस ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर माइकल हैरी मिस्टर माइकल हैरी इज़ अ को क्रिएटर ऑफ़ सिक्स सिगमा उन्होंने सोचा कि डब्बा वालस के पास सप्लाई चेन है कोडिंग सिस्टम है इसी के वजह से आज डब्बा वॉल्स एक्सी के साथ काम करते हैं बट ये डब्बा वालस की डेडिकेशन लेवल आती कहाँ से उसके ऊपर भी मुझे स्टडी करनी है इसी के लिए डॉक्टर प्रदीप देशपांडे एक बार मुंबई में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी डेडिकेशन पावर नंबर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ आप कितने परसेंट डेडिकेट हो ये मैं नंबर्स में लाना चाहता हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कोई नंबर्स में नहीं बता सकते राइट और रॉन्ग हम नहीं बता सकते कि मैं कितना परसेंट सेटिस्फाइड हूँ मैं कितना परसेंट डेडिकेटेड हूँ तो मिस्टर प्रदीप देश इन्होंने एक मशीन डेवलप किया और ये मशीन के साथ मुंबई में आ गए और उन्होंने दस पंद्रह डबॉलर्स को साथ में ले लिया अलग अलग ग्रुप से उनके उंगलियों से फोटोनिक एनर्जी कैलकुलेट की और एनर्जी के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला वो रिपोर्ट देख के सभी के सभी डबल भी शॉक हो गए नेक्स्ट वन प्लीज नेक्स्ट ये ये yes. so हमारे डॉक्टर प्रदीप देश पांडे है यस सो दिस इज अ रिपोर्ट एवरी वन वी है हमारी बॉडी में सिक्स एनर्जी सोर्स है ये अगर एक ही वर्टिकल लाइन में अलाइन हो जाते हैं दैट मीन्स यू आर हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड यू कैन सी नाइन्टी थ्री परसेंट नाइन्टी सिक्स डब्बा वालस का जो डेडिकेशन लेवल है इट्स मोर देन नाइन्टी परसेंट तो मैंने उनसे कहा कि इसमें ताल्लुक़ वाली कोई कोई बात क्या है लेकिन मतलब इसमें क्या शॉकिंग न्यूज़ है तो उन्होंने जब कहा कि सेम के स्टडी मैंने कॉरपोरेट में की थी जो लोग ऑफिसिस में काम करते हैं जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं उनके साथ जब हमने केस स्टडी की थी तो हमने देखा था कि उनकी जो इंटरनल पावर थी वो बिलो एटी थी 80 परसेंट से नीचे उनकी इंटरनल पावर को जाना गया था और सेम केस स्टडी उन्होंने जब किसी हॉस्पिटल में जाके कैंसर पेशेंट के साथ की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो इंटरनल पावर थी इट्स बिलो सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट से नीचे उनकी इंटरनल पावर थी और सेम केस स्टडी उन्होंने कहा कि अगर ये केस स्टडी का आंसर अगर बिलो थर्टी परसेंट से नीचे आ जाता है तो ये ओवर फ्रस्ट्रेशन ओवर टेंशन की बात हो जाती है और किसी भी इंसान की मौत कभी भी हो सकती है मतलब उनकी लेवल अगर बिलो एट थर्टी परसेंट आ जाती है तो सो तो यही सोच वाली बात है कि डब्बावालाज की नाइन्टी परसेंट डेडिकेशन लेवल आई कहां से तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया डब्बा वाला जो इंटरनल एग्जाम मतलब पावर है ये नाइन्टी आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है दैट इज भक्ति आज डब्बा वाला जो भक्ति करते हैं आज डब्बा वाला जो भगवान को ज्यादातर मानते हैं यही सबसे बड़ी उनकी डेडिकेशन लाने की पावर है एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जब कोई भी इंसान आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं हम सभी लोग भगवान को मानते हैं राइट तो जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर कोई फल और फूल बेचने वाला एक बंदा बैठा होता है हम जब मंदिर में पैर पड़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं चलो कुछ फल और फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं हम वहाँ पर जाते हैं और उस बंदे से फल और फूल खरीद लेते हैं बट हमें बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने सड़े हुए फूल और फल दे दिए हम उसके पास वापस जाते हैं उसको कहते हैं कि भैया अच्छे फल और फूल दो क्योंकि ये भगवान को चढ़ाने तो बंदा कहता है सर नॉर्मली भगवान को तो चढ़ाना है किसी को, किसी को किसी को खाने को खाने तो नहीं है ना तो बंदा कहता है बेटा ये सड़े और फूल और फल मैं खा भी लूँ लेकिन भगवान को मैं ऐसा नहीं चढ़ा सकता क्योंकि भगवान को अगर मैं कोई गलत चीज़ और गलत में कुछ अगर प्रोटोकॉल से अगर भगवान के पास जाऊँगा तो भगवान मेरे पे नाराज़ हो जाएंगे और मेरी जो मनोकामना ये कभी पूरी नहीं होगी यही एक डर है जो हमें भगवान के रिगार्डिंग हंड्रेड परसेंट डेडिकेटेड बनाता है और यही डर हमारे डब्बा वालस के भीतर भी है कि उनका जो डेडिकेशन लेवल है उनके भगवान के रिलेटेड मतलब उनके कस्टमर यही उनके लिए सबसे बड़े भगवान है और उनके लिए वो हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन लाने में हेल्प कर देती है सो so, भक्ति इस सबसे बड़ी डब्बा वालस की पावर है नेक्स्ट वन प्लीज तो उनसे मैंने कहा कि बाबा हम कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वन यही एक सर्टिफिकेट है सिग्मा ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेट आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डब्बा वाले के ही पास है बाकी किसी के पास नहीं है जो इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर दिया गया हुआ है नेक्स्ट वन प्लीज सो उनका एक फॉर्मूला है हाई इंटरनल पावर प्लस हाई एक्सटर्नल पावर इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस मतलब इंटरनली भी आपको 100% परसेंट स्ट्रांग होना चाहिए एक्सटर्नली भी आपको 100% परसेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर मैं 100% परसेंट डेडिकेशन के साथ खड़ा हूँ बट नाइन्टीज की टेक्नोलॉजी अगर यूज करूंगा नोकिया का सबसे पुराना फोन यूज करूंगा तो मेरा डेडिकेशन पावर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा दोनों चीज अगर अच्छी तरह से काम करेगी तो ही आप हाई परफॉर्मेंस के लेवल पर चाहोगे यही उनका एक फॉर्मूला था तो मैंने उनसे कहा कि यू एंड मी लाइक वी आर रैशनल माइंडेड पीपल हमारे दिमाग में जितना हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं उतना साइंस के ऊपर भी विश्वास रखते हैं तो हम हमारी इंटरनल पावर को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं हम सेटिस्फेक्शन लेवल को किस तरह से टॉप में ला सकते हैं उन्होंने कहा कि भक्ति इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू एंड मी बिकॉज देर इज नो एनी कोर्स टू इंप्रूव योर भक्ति पावर ऐसे मार्केट में कोई कोर्स नहीं कि आपकी भक्ति पावर को इंप्रूव करें भक्ति इज कम फ्रॉम द चाइल्ड हुड हम बचपन से ही भक्ति को सीखते आ रहे हैं राइट right? तो उन्होंने कहा कि योगा एंड मेडिटेशन सबसे बड़ा मेडिटेशन यानी योगा ये दो चीज़ों के वजह से आप आपकी इंटरनल पावर को मैनेज कर सकते हो आप डेडिकेशन लेवल को हाई पर लेव जा सकते हो यही सबसे बड़ी बात होती है तो तभी से आज डबाज भक्ति भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं नेक्स्ट वन प्लीज सो ये डब्बा वालस की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है लेट्स सी किसी भी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं किसी भी संस्था में हम वर्क होते हैं तो हमारे सोच को कहीं पर बढ़ावा दिया जाता है नहीं जाता हम बता नहीं सकते किसी भी कंपनी में अगर हम हाई पोजिशन पोजिशन तक हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे सोच को कोई बढ़ावा नहीं देगा लेकिन आज डब्बा वॉल्स में आप देख सकते हो हर एक पांच साल के बाद हमारे डब्बा वॉल्स में इलेक्शंस होते हैं हर पांच साल के बाद न्यू ट्रस्टीज न्यू प्रेसिडेंट न्यू सदस्य आ जाते हैं नए सोच के साथ नया कुछ करने के सोच में वो लोग आ जाते हैं नॉर्मल डब्बा भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और नॉर्मल डब्बा वाला भी प्रेसिडेंट बन सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में अगर डब्बा डब्बालास को किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो किसी उनके सुपरवाइजर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सुपरवाइजर ने अगर उनको आंसर नहीं दिया तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी कॉल करने का अधिकार उन डब्बा वालस को दिया गया हुआ है किसी भी समय किसी भी वक्त अगर आपको कोई न्यू आइडिया आ जाती है तो आप डायरेक्टली हमारे कमेटी को सजेशन दे सकते हो हमारी कमेटी भी जब कोई भी डिसीजन फाइनल करती है तो वो डिसीजन को सबसे पहले सब डब्बा ऑलर्स को बताया जाता है कि हम ये नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं ये हमारा नेक्स्ट डिसीजन आने वाला है उसके बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें बता दीजिएगा मतलब जब तक डबा ऑलर्स की कोई राय नहीं आती और कोई डब्बा ऑलर्स ट्रस्टिस को सजेस्ट नहीं करता तब तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता इस तरह से हमारे डब्बा वॉलर्स को उनके सोच को बढ़ावा दिया जाता है नेक्स्ट वन प्लीज ये हमारे बिलीव्स है हमारे डब्बा वालों को हम किस से motivate तरह से मोटिवेट रखते हैं जिस तरह से कंपनीज में एनुअल पार्टी होती है एनुअल डे होता है उनको पार्टीज में अच्छा खाना बिना कोई मोटिवेशनल स्पीकर ला के उनको बढ़ावा दिया जाता है उनको हैप्पी मूड में लाया जाता है उसी तरह से हमारे डब्बा वालस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता लेकिन हमारे डब्बा ऑलाज हर साल में सत्यनारायण की पूजा वो हर सैटरडे को रखते हैं यही हमारा महीना होता है न्यू ईयर न्यू सोच के साथ स्टार्ट करना होता है तो हर एक सैटरडे को सत्यनारायण की पूजा ऑर्गेनाइज करके सभी लोगों में अन्नदान किया जाता है और सभी डबाला को इकट्ठा किया जाता है और उनको एक नया सोच दिया जाता है तो इस तरह से हम लोग हर एक सैटरडे को जनवरी से लेके अप्रैल तक ये हमारे हर सैटरडे को इवेंट्स होते हैं मुंबई में और भगवान में कुछ कहे हुए वर्ड्स है जिससे ही हम डबाला सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं वर्क इज अ वर्कशिप वर्क इज अ वर्डशिप मीन्स हाउ वी आर टू फोकस किस तरह से हमें हमें हमारे काम पर फोकस करना आना चाहिए दैट वी लर्न फ्रॉम दिस वर्ड सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ये हमारा मोटिवेशनल वर्ड नहीं तो यही हमारा टारगेट है कस्टमर इज अ गॉड फॉर अस दे अन्नदान इज महादान आनंद इज महानंद ये सबसे बड़ी बात होती है और डब्बाल पूरे वर्ल्ड में क्यों फेमस है यू नो टाइम इज अ मनी एंड यूनिट इज अ पावर टाइम इज अ मनी मीन्स वॉट यू नो हम पैसे कमाने के लिए हम पैसे कमाने के लिए किसी की किसी के घर में जाके चोरी भी कर सकते हैं किसी का खून भी कर सकते हैं बिकॉज़ इंटेंशन दैट इज वन टू अर्न मनी अगर इंटेंशन एक ही होगा पैसा कमाना तो हम कुछ भी कर सकते हैं यही हमारे डबॉल्स के सबसे बड़ी बात है कि वो लोग कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं टाइम यूटिलाइजेशन के लिए बिकॉज टाइम यूटिलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने टाइम को किस तरह से यूज़ करते हो आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हो आप खुद का ये सबसे बड़ी बात है ये अगर प्रॉपरली अगर अगर आप अगर नहीं करोगे तो आपको सक्सेस कभी हासिल नहीं होगी यही हमारे डबौलास कहते हैं कि अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा हमें कभी नसीब नहीं होगा अगर हम टाइम को ही पैसे की तरह देखेंगे मतलब पैसे कमाने के लिए जितना डेडिकेशन हम देते हैं उतना ही डेडिकेशन हमको टाइम यूटिलाइजेशन में देना आना चाहिए तभी पैसा अपने आप अपने पीछे चलता आ जाएगा ये हमारे डब्बा पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यूनिट इज अ पावर कि पांच हजार लोग दो लाख डब्बा बिना कुछ की चीज यूज किए दो या तीन घंटे में कैसे दे पाते हैं नेक्स्ट वन प्लीज हमारी जो सर्विस है सो so, आज अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया वो हमारे सर्विस के बारे में था कि इतने सारे लोग हैं इस तरह से हमारी संस्था है इस तरह से हमारा संगठन है इतने सारे लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं ये सारे डब्बा वाला इस इस ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं सो दिस वाज टोटल इंटरनल पार्ट बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ये पाँच हजार लोग दो लाख डब्बा दो तीन घंटे में किसी भी चीज़ का यूज ना करे हुए कैसे डिलीवर कर पाते हैं ये सप्लाई चेन कैसे काम करती है लेट्स सी आप जब भी कोई पार्सल ऑर्डर करते हो किसी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से तो आपने देखा होगा कि क्यू कोड और बार कोड कोड उस चीज पर होता है right? राइट उसे स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये पार्सल हमें किस जगह पर जाके डिलीवर करना है सेम एज दैट हमारी कोडिंग सिस्टम है जो हमने हमारे खुद ने डेवलप की है जो हम हमारे डब्बा के टॉप में लिखते हैं उसे और दूसरी है हमारी सप्लाई आज पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है हब एंड स्पोक मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल मतलब आज जो भी कोई लॉजिस्टिक कंपनी है जो भी कोई कुरियर कंपनीज है जिनमें भी आप लॉजिस्टिक वर्ड सुना होगा ये सभी में एक ही सिस्टम फॉलो होती है दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल मतलब अलग अलग जगहों से पिक करने के बाद उसे एक किसी विशिष्ट जगह पर एक हब तक लेके आना हब टू तो हब ट्रांजेक्शन देन हब टू तो स्पोक्स ट्रांजेक्शन ये सारी चीजें आज डब्बा यूज करते हैं नेक्स्ट वन प्लीज देखिए ये हमारी कोडिंग है ये जो कोड है ये हम हमारे डब्बा के ऊपर लिखते हैं आपने देखा होगा प्लीज माई डब्बा एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज टेक्नोलॉजी फॉर राइट सो हम इसी के लिए किसी टाइप का टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते बिकॉज टेक्नोलॉजी का अगर यूज किया तो कभी भी मुश्किल आ सकती है तो ये हमारा डब्बा है आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी कि जो भी कोड है ये डब्बा के टॉप में लिखा जाता है यही हमारा क्यू कोड है यही हमारा बारकोट कोड है एक एक टाइम क्या हुआ था कि मैं मेरा भी एजुकेशन एम बी ए मैं एम बी ए फाइनानस हूँ मेन आई डीड माई कैस्टडी ऑन डब्बा वालाज सो जस्ट मैंने एक सोचा कि डब्बा वाला को एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपने कस्टमर की जानकारी किस तरह से रखते हो आपको कैसे पता चल जाता है कि यह डब्बा ये, ये जगह से जाके ये जगह जाके डिलीवर किया जाएगा तो उन्होंने मुझे एक आंसर किया था कि ये जो क्यू आर ये जो कोड है ये मेरा क्यू आर कोड है माई आईज इज़ माई स्कैनर माई हेड इज़ माई कंप्यूटर एंड माई वाइट कैप इज़ कंप्यूटर कवर ये है हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी हम हमारे सिस्टम में यूज करते मैंने कहा ठीक है बट आप कैसे पता कर, 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 कर लेते हो कि आपको ये डब्बा कहाँ से लेकर कहा थ्री वी एल पी E3 VLP एक्स 9x12. देर आर ओनली फोर कोड चार कोड के साथ हम दो लाख कोड नहीं बना सकते जैसे दो डाइस फेंकने के बाद थर्टी सिक्स प्रोबेबिलिटीज आती है उस तरह से चार कोड के साथ हम दो लाख कोड नहीं बना सकते सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज मल्टीपल नंबर्स मल्टीपल अल्फाबेट यूज किए जाते हैं साइंस भी यूज किया जाता है सरस्वती का साइन भी यूज किया जाता है प्लस माइनस हर एक साइन का यूज करके कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके हमने एक कोडिंग सिस्टम जनरेट की है क्या कैन एनी वन वॉन्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट वॉन्ट इट मे मै आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा क्या कोई बता सकता है कि ये कोड में आपको क्या दिख रहा है एग्जैक्टली exactly? लाइक वी एल पी स्टैंड फॉर व्हीले पार्ले राइट ग्रीन पार्ट जो है वो डिलीवरी पार्ट होगा सॉरी पिकअप पॉइंट होगा और रेड होगा वो डिलीवरी पॉइंट होगा लाइक like दैट दोस्तों बट आप सोच नहीं पाओगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज डब्बा वाला उसमें इस कोडिंग में ऐड करती है मैं आपको बताना चाहूँगा आप सोच भी नहीं पाओगे सुबह ये डब्बा किस जगह से पिक किया जाएगा डब्बा कौन पिक करेंगे उस बंदे का नाम इस कोड में ऐड किया गया है किस स्टेशन से पिक किया जाएगा स्टेशन का नाम इस कोड में ऐड किया गया है ईस्ट से होगा या वेस्ट से पिक किया जाएगा वो जिक्र यहां पर किया गया है देन किस रूट से पिक किया जाएगा वो रूट का नाम इस कोड में दिया हुआ है बाद में ये डब्बा किस स्टेशन में जाके डिलीवर किया जाएगा उस स्टेशन का नाम भी इस कोड में दिया हुआ है और स्टेशन में पहुंचने के बाद अगेन कौन सा डब्बा वाला इस डब्बे को पिक करेगा सेकंड डब्बा वाला नेम वो बंदे का नाम भी इस कोड में ऐड किया गया है और फाइनली ये डब्बा किस बिल्डिंग में जाके डिलीवर किया जाएगा उस बिल्डिंग का नाम भी इस कोड में है और ये डब्बा किस फ्लोर पर जाके डिलीवर किया जाएगा उस फ्लोर का कोड भी इसमें दिया हुआ है कैन इमेजिन हाउ इज इट पॉसिबल अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक किसी ए फोर साइज पेपर पर लिख लेंगे तो हमें पूरी साइज पेपर लग जाएगा बट वी कंप्रेस इट विद इन फोर कोड ऑनली तो ये किस तरह से काम करता है लेट सी सी वी एल पी एंड फॉर वीले पार्ली सो so, ये लंच बॉक्स विले पार्लर स्टेशन से पिक किया जाएगा सो मिस्टर ई ई वी कैन से मिस्टर ईश्वर मिस्टर ईश्वर ये लंच बॉक्स विले पार्ले वेस्ट से ग्रुप नंबर टू का ये बंदा है ये पिक करेगा विले पार्ले वेस्ट से विले पार्ले स्टेशन से ये ईश्वर ये डब्बा मॉर्निंग में पिक करेगा सुबह नौ बजे के बाद और ये डब्बा डिलीवर किया जाएगा चर्च गेट स्टेशन पर यू कैन सी इन द सेंटर सेंटर कोड ऑलवेज बी अ डेस्टिनेशन कोड फॉर अस सो थ्री मीन्स चर्च गेट फॉर अस एंड वीएलपी डब्बा विले पार्ले से ही क्यों पिक किया जाएगा बिकॉज इट्स रोड ऑन टॉप सो टॉप एड्रेस से ट्रैवल करेगा और फाइनली चर्च गेट में आने के बाद पिक दिस लंच बॉक्स फ्रॉम चर्च गेट स्टेशन एंड डिलीवर दिस लंच बॉक्स इन एक्सप्रेस टॉवर ई एक्स इज अ बिल्डिंग कोड एक्सप्रेस टॉवर के ट्वेल्व फ्लोर पर इसे डिलीवर किया जाएगा दैट्स इट्स वेरी सिंपल सर नो इट्स अ वेरी सिंपल आपने सोचा होगा ये तो नॉर्मल है बट इट्स नॉट नॉर्मल ये कोड अगर आपको जानना है पूरे दो लाख कोड के बारे में अगर आपको जानना होगा तो मिनिमम तीन या चार महीने की ट्रेनिंग आपको लगेगी बिकॉज ये एक ही कोड नहीं है नेक्स्ट वन प्लीज यू कैन सी यज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कोड जैसे देखिए ये कोड में आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे प्रीवियस स्लाइड में वीएल यूज किया गया था और ये कोड में फर्स्ट कोड में वीपी दिखाया गया है जैसे मैंने कहा कि ये विले पार्ले वेस्ट का ग्रुप नंबर टू का लंच बॉक्स है ये क्यों है लेट्स सी वीपी स्टैंड फॉर विले पार्ले ईस्ट एंड वी एल पी स्टैंड फॉर विले पार्ले वेस्ट ये जो वी एल पी है ये वेस्ट का साइन है और वी पी है ये ईस्ट का साइन है जैसे मैंने शुरुआती तौर पर ही आपसे कहा था कि विले पार्ले पर हमारे चार ग्रुप काम करते हैं दो ग्रुप वेस्ट में है दो ग्रुप ईस्ट में है तो ये ईश्वर नाम का बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो विले पार्ले में से वेस्ट का ये बंदा है ये ग्रुप नंबर टू से बिलोंग करता है यू नो वाई बिकॉज कलर कोड सो वी पी विथ सॉरी वी एल पी विथ ग्रीन एंड रेड दैट इज़ द सिंबल ऑफ ग्रुप नंबर टू ग्रीन एंड रेड दैट मीन्स ग्रुप नंबर टू येल्लो एंड रेड दैट मीन्स ग्रुप नंबर वन सो ये कलर कॉम्बिनेशन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स मोस्टली डब्बा पिक करने के टाइम यूज़ किए जाते हैं और नंबर्स डब्बा ड्रॉप करने के टाइम यूज़ किए जाते हैं ऐसे इसको जनरेट कर कर दिया गया है देर आर वेरियस स्टेशन लाइक दहीसर देवनाथ डोंबिवली एंड दादर ये चारों के चारों स्टेशन डी से स्टार्ट होते हैं राइट यू नो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है अगर डी वी के जगह मैंने डी को ऐड कर दिया तो ये डब्बा दहीसर से पिक किया जाएगा अगर मैंने तीन के नीचे मतलब डाउन साइड में अगर मैंने डी को ऐड कर दिया दैट मीन्स ये लंच बॉक्स दादर से पिक किया जाएगा अगर डी को मैंने दो टाइम लिख दिया टॉप में और बॉटम में दैट मीन्स ये डब्बा डोंबुली से पिक किया जाएगा अगर डी को मैंने डाउन में एक ही बार ऐड किया बट जो पिक करने वाला बंदा है मिस्टर ई e, उसको टॉप में और लेफ्ट साइड में दो बार ऐड किया दैट मीन्स ये लंच बॉक्स देवनार से पिक किया जाएगा सोचिए डी को ज़रा सी भी चुक कर दी आपने आइडेंटिफाई करने में तो आपका लंच बॉक्स दादर से लेके कर दहीसर ट्रक ट्रैवल करेगा अराउंड 30 किलोमीटर आपका डब्बा यहाँ से लेके कर वहाँ तक घूम जाएगा मतलब एक भी चूक आपको डब्बा 20 किलोमीटर दूर पहुंचा देगी क्या आपने कभी सुना है किसी न्यूज में या फिर किसी टीवी चैनल पर कि डब्बा वाला सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और उनका डब्बा फेल हो गया डिलीवर होने में आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा नेक्स्ट वन प्लीज सो ये हमारी सप्लाई चेन है बेसिकली सप्लाई चेन मतलब यही है कि जिस तरह से विले पार्ले विले पार्ले एक स्टेशन है तो विले पार्ले में जो फोर ग्रुप वर्किंग करते हैं मतलब चालीस डब्बा वाला वर्क होते हैं वो चालीस डब्बा वाला हर एक डब्बा वाला मिनिमम थर्टी लंच बॉक्स पिक करेंगे विद इन वन आवर और ये सारे डब्बा वाला इकट्ठा हो जाएंगे विले पार्ले स्टेशन पर विले पार्ले स्टेशन पर आने के बाद ये सारे डब्बा वाला लंच बॉक्स को शॉर्ट आउट कर देंगे एज पर द डेस्टिनेशन कोड मतलब चर्च गेट के लंच बॉक्स एक साइड में रख देंगे विले पार्ले के एक बाजू में रख देंगे अंधेरी के एक बाजू में रख देंगे इस तरह से उसे शॉर्ट आउट किया जाता है चर्च गेट विले पार्ले स्टेशन पर और वो सारे लंच बॉक्स भेज दिए जाते हैं चर्च गेट पोर्ट जैसे ही लंच बॉक्स चर्च गेट में आएंगे जैसे मैंने विले पार्ले के बारे में आपसे कहा ऐसे सौ से ज्यादा स्टेशन आज मुंबई में है तो हर एक स्टेशन से डब्बा आज चर्च गेट में डिलीवर होने के लिए आएंगे तकरीबन पच्चीस हजार से ज्यादा हमारे कस्टमर चर्च गेट में है तो पच्चीस हजार लंच बॉक्स चर्च गेट में आएंगे दो सौ या तीन सौ डब्बा वाला उसको लेके आएंगे और वो पच्चीस हज़ार डब्बा एक बार चर्जिगे स्टेशन पर आने के बाद उसे अगेन शॉर्ट आउट किया जाता है उस डब्बा वाला के कोड के हिसाब से जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस हिसाब से उसे शॉर्ट आउट किया जाता है और वो डब्बा वालाज वो सारे लंच बॉक्स को उठा के वो अपने अपने बिल्डिंग में दिए जाते हैं जैसे घर से लेके विले पार्ले स्टेशन तक हमें एक डब्बा वालेस की ज़रूरत है विले पार्ले से लेके कर चर्जिगे स्टेशन तक हमें दूसरे डब्बा वालाज की ज़रूरत है और चर्जिगे स्टेशन से लेके फाइनली बिल्डिंग तक हमें तीसरे डब्बा वालस की ज़रूरत होती है एक डब्बा डिलीवर करने के लिए हमें मिनिमम तीन लोगों की जरूरत लगती है और मैक्सिमम हमें दस या बारह लोगों की जरूरत लगती है एक डब्बा डिलीवर करने में सोचिए यहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं नो no पेपर ना ना कोई प्लास्टिक है ना मोबाइल फोन है तो ये तीन लोग आपस में कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं कि ये डब्बा उसके हाथ में ये टाइम पर देना है यह टाइम से उनको काम करना है तो ये सारी चीजें डिपेंड होती है हमारे टाइम मैनेजमेंट पर जो आज पूरी वर्ल्ड वो सीखना चाहती है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो ये सारे डब्बा एक दूसरे को हैंड नहीं किए जाएंगे और अगर एक भी डब्बा हैंड नहीं होगा तो उसका डिलीवरी होने के चांसेस जीरो परसेंट है और 130 सालों में आज तक ऐसी कोई चूक या फिर भूल डब्बा वाले से हुई नहीं कि उनके डब्बे टाइम पर हैंड ओवर न होने के कारण उनको डिलीवरी में देरी से पहुंच गए मतलब ये टाइम पर आज तक 130 सालों में टाइम पर उनको डब्बा हैंड करना मतलब एक ही लेवल पर चलना ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है क्योंकि हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना ये तो ईजी होता है कहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना ये तो ईजी होता है लेकिन उसको सालों चलाना ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है तो सालों भर एक ही सोच से काम कैसे कर पाते हैं डबॉलॉस बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट लेस्ट नेक्स्ट प्लीज सी हमारा जो वर्किंग टाइम है सुबह नौ बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एज पर द लेबर लॉ एज पर द लेबर लॉ वी शुड वर्क फॉर एट आवर्स तो हम भी आठ घंटे के लिए ही काम करते हैं सुबह नौ बजे हमारे सिस्टम स्टार्ट होती है शाम को छह बजे सारे डब्बास घर पर डिलीवर होने के बाद सभी के सभी डब्बा वाला अपने घर चला जाते हैं कॉस्ट ऑफ द सर्विस यह मेरा आप सभी के लिए सवाल है आप तो सभी स्विगी जोमेटो का इस्तेमाल तो करती right करते ही हो गए राइट और रॉन्ग स्विगी जोमेटो कौन कौन यूज करते हैं कोई यूज नहीं करता यस ठीक है आप जब स्विगी और जोमेटो जब यूज करते हो अगर सौ रुपये की कोई चीज़ है वो तो आपको स्विगी जोमेटो में तो एक की दिखाई जाएगी वो तो अलग बात है लेकिन एक के बाद जब आप फाइनल ऑर्डर प्लेस करने जाते हो तो वही चीज़ आपको डिलीवरी के साथ ढाई के पार चली जाएगी मतलब डिलीवरी कॉस्ट आपका घर आपका रेस्टोरेंट पास ही में ही है दो तीन किलोमीटर के भीतर ही आप ऑर्डर कर रहे हो लेकिन आपसे वो चार्ज करेंगे चालीस पचास रुपए से ज़्यादा वो लोग चार्ज करेंगे इवन कर कंपनीज़ अगर सेम डे डिलीवरी अगर आपको मुंबई में करनी है वी फास्ट करके एक कंपनी है जो सेम डे डिलीवरी कंसेप्ट मुंबई में चला रही है लेकिन उनका अगर डिलीवरी टाइम है वो चार घंटे के भीतर डिलीवरी देती है लेकिन थर्टी ग्राम एनवलअप के लिए थ्री हंड्रेड रुपीज़ चार्ज करेगी तीन सौ से ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं बिकॉज आपको सेम डे डिलीवरी चाहिए इसलिए मगर डब्बा वालास तो आपका एक किलो का डब्बा कैरी कर रहे हैं एक नहीं तो दो दो ट्रांजेक्शन आपको दिन में दे रहे हैं तो डब्बा वाला कितना चार्ज करते हो अपने कस्टमर से ये तो सबसे बड़ा सवाल है राइट तीन सौ हम देते हैं तीस ग्राम के एनवलप के लिए चालीस रुपया देते हैं हम दो किलोमीटर से कोई खाना ऑर्डर करना है स्विगी जोमेटो से थे तो डब्बा वलाज सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी किलोमीटर से आपका घर से डब्बा आपके ऑफिस में देते हैं यह अच्छा डिलीवरी कंसेप्ट है तो डब्बा वालाज एक किलो का डब्बा कैरी करते हैं तीस ग्राम का एनवलप नहीं तो वो डब्बा वालाज अपने कस्टमर से कितना अमाउंट चार्ज करते होंगे कोई बोलना चाहेगा कितना चार्ज करते हो गए डब्बा वालाज नो वन यस उ मच हाउ मच पचास पैसा हाउ इज इट पॉसिबल पचास पैसा आज तो पचास पैसा चलता भी नहीं है मुंबई में हाउ इज इट पॉसिबल फिफ्टी पैसा ठीक है अगर आपने यह बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आप कितना चार्ज करोगे हाउ मच यू विल चार्ज आफ्टर स्टार्टिंग दिस बिजनेस थाउजेंड्स में नंबर आ गए देखो

गॉड तो एक ही है हमारे भगवान तो एक ही है कोई पुअर गॉड और रिच गॉड के ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है राइट तो हमारे भगवान मतलब हमारे कस्टमर भी एक ही है सो वी शुड चार्ज वेरी आइडियल प्राइस फ्रॉम ऑल सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर चार्जिंग वेरी वेरी लो अमाउंट दैट इज ऑनली टेन रुपीज फॉर योर वन लंच बॉक्स ऑनली टेन रुपीज टेन रुपीज फॉर वन ट्रांजेक्शन डेली वी आर चार्जिंग ट्वेंटी रुपीज सो फॉर टेन डेज वी आर चार्जिंग टू हंड्रेड रुपीज़ एंड पर मंथ वी आर चार्जिंग मिनिमम सिक्स टू सेवन हंड्रेड रुपीज़ और मैक्मम फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड वेट ऑफ द लंच बॉक्स बिकॉज जिस तरह से हमारी फाइव फिंगर्स सेम नहीं होती उसी तरह से हमारे कस्टमर भी सेम नहीं होते कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही लंच बॉक्स में तीन चार लोगों का खाना भेज देते हैं तो वो लंच बॉक्स का वेट दस पंद्रह किलो के पार चला जाता है अगर आज आप मुंबई में आओगे तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि डब्बा वालों को बेंड्रा स्टेशन में जाके मिलना आप आपको दे आप देखोगे तो एक एक डब्बा 20-20 किलो का होता है मतलब एक ही लंच बॉक्स में 10-10, 15-15 लोगों का कभी खाना आ जाता है मतलब किसी मेस से आता होगा तो इस तरह से ये सर्विस होती है सो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस एंड वेट सबसे ज्यादा मैटर करता है नेक्स्ट वन प्लीज हमारी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होती है लेट सी मॉर्निंग एट थर्टी टू नाइन ओ क्लॉक इट्स अ प्रे टाइम हमारे सभी डब्बा वालाज ये भगवान को ज़्यादा मानते हैं तो ये हमारा प्रे टाइम होता है तो ये आधे घंटे में सभी के सभी लोग डब्बा वाल मतलब हमारे डब्बा वाला भवान को प्रे करते हैं देन नाइन टू नाइन थर्टी सॉरी नाइन टू टेन थर्टी इज आवर पिक टाइम मतलब एक एक तास, एक तास घंटा और थर्टी मिनट्स आपके लिए है आपको एक घंटा थर्टी मिनट मीन्स नाइनटी मिनट्स आपके पास है आपको नाइनटी मिनट्स में फोर्टी लंच बॉक्स पिक करने हैं दैट मीन्स हार्डली एक कस्टमर के लिए हम दे सकते हैं सेवन टू टू एटी सेकेंड्स के अंदर ही आपको साइकिल का इस्तेमाल करके उसके बिल्डिंग तक जाना है बिल्डिंग के सीढ़िया चढ़नी है डब्बा पिक करने के बाद नीचे आके नेक्स्ट कस्टमर के पास भी जाना है ये सारी चीज़ें आपको 90 सेकंड के पहले ही करनी है 70 80 सेकंड में ही करनी है सोचिए किसी भी डब्बा वाला के कस्टमर ने अगर डब्बा देरी से डिलीवर मतलब हैंड ओवर किया तो कितनी बड़ी मुश्किलें आ सकती है तो यहाँ पर हमसे हमारी सबसे बड़ी काम टाइम पॉलिसी काम करती है दैट इज़ थ्री मिनट टाइम पॉलिसी तीन मिनट की टाइम पॉलिसी मतलब अगर आप हमारे कस्टमर हो अगर आपको सुबह नौ बजे का टाइम दिया गया हुआ है कि हम आपके घर में सुबह नौ बजे आएंगे तो सुबह शार्प नौ बजे के पहले ही हम आपके घर पे आ जाएंगे अगर आपने नौ बजकर तीन मिनट के पहले डब्बा हैंड नहीं किया तो आपका लंच बॉक्स डब्बा वाला पिक नहीं करेंगे आपका लंच बॉक्स डब्बा वाला पिक नहीं करेंगे बिकॉज हमने आपके लिए तीन मिनट तक वेट किया अगर सेम अगर आप देरी एक दो तीन चार दिन तक कर लेते हो तो आपकी सर्विस स्टॉप कर दी जाएगी आपको हमारी सर्विस नहीं मिल पाएगी बिकॉज ये पंक्चुअलिटी आप में भी होनी चाहिए सेम एज दैट सेम रूल हमारे डब्बा वालस के लिए भी फॉलो करता है हमारे डब्बा के लिए भी तीन मिनट का ही टाइम पीरियड है अगर आपको बला बोला गया है कि सुबह दस बजकर तीस मिनट तक आपको डब्बा हैंड ओवर करने हैं तो नेक्स्ट बंदा आपको दस बजकर थर्टी थ्री मिनट तक ही वेट करेगा थर्टी थ्री से ज़्यादा अगर आप नहीं आ पाए वहाँ पर तो वो बंदा वहाँ से निकल जाएगा और आपके सभी डब्बास डिलीवर होने से रुक जाएंगे सोचिए आज तक एक सालों में कोई भी डब्बा वाला देरी से वहाँ पर पहुँचा नहीं और वो डब्बा डिलीवर होने के चांसेस भी जीरो हो गए सो so, एक बार सुबह साढ़े दस बजे डब्बा पिक होने के बाद विले स्टेशन पर लाए जाते हैं साढ़े दस से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक ये एक घंटा होता है सारे डब्बा वाला अपने ट्रेन में ही आपको दिखाई देंगे सभी डब्बा वाला डब्बा लेके ट्रेन से ट्रेवल करते हैं सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक आपको हर एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर आना ही होता है साढ़े ग्यारह बजे से पहले आपको वहां पर पहुंचना होता है जैसे साढ़े ग्यारह बजे तक आप सभी लोग वहां पर आएंगे जैसे चर्चगे स्टेशन पर हमारे पच्चीस हज़ार कस्टमर हैं तो पच्चीस हज़ार डब्बा वहाँ पर आ जाते हैं तो वो पच्चीस हज़ार डब्बाज को शॉर्टिंग करने के लिए हमें थर्टी मिनट्स की ज़रूरत होती है तो साढ़े ग्यारह से ले कर बारह बजे तक ये हमारा शॉर्टिंग टाइम है हर एक शॉर्टिंग पॉइंट पर हमारे डब्बा ये या थर्टी मिनट में शॉर्टिंग करते हैं और फाइनली बारह बजे से ले कर एक बजे के भीतर ये एक घंटे के अंदर सारे दो लाख डब्बाज ऑफिस में डिलीवर किए जाते हैं एक घंटा हमें नहीं लगता हमें सिर्फ दस मिनट ही लगते हैं बिकॉज़ एक ही बिल्डिंग में दस बस पीस बीस बीस डब्बा डिलीवर करने होते हैं तो पंद्रह मिनट के अंदर सारे दो लाख डब्बा डिलीवर किए जाते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा फोर्टी फाइव मिनट्स हमारे रिजर्व टाइम है ताकि बारिश में या फिर ट्रेन बंद हो जाती है या फिर किसी भी डब्बा वाला को आने में देरी हो जाती है तो ये फोर्टी फाइव मिनट्स का इस्तेमाल करके हम टाइम पीरियड को मैच कर लेते हैं और एक बजे के पहले डब्बा डिलीवर कर देते हैं और एक बार आपका डब्बा डिलीवर हो गया तो एक से लेकर डेढ़ बजे तक आपको लंच टाइम के लिए टाइम दिया जाता है वापस डेढ़ से लेके कर वन थर्टी से लेके कर टू थर्टी तक सारे डब्बास पिक करने के बाद आराम करने के बाद खाना खाने के बाद वो अपने स्टेशन पर आ जाते हैं चर्ची के स्टेशन पर और टू थर्टी से लेके कर फोर थर्टी तक सारे लोग सारे डब्बा वाला डब्बा लेके के एम टी लम्बा डब्बा लेके कर गेट से लेके विले पार्ले स्टेशन पर रिवर्स आ जाते हैं और जैसे ही आप विले पार्ले स्टेशन पर आते हो तो आपके हाथ में एम टी लंच बॉक्स होंगे तो यहाँ पर कोई टारगेट नहीं होता कि आपको डब्बा टाइम पर डिलीवर करना है तो इसी के लिए फ़ोर से लेके कर फोर थर्टी तक ये हमारा रिजर्व टाइम है यह हमारा एक्स्ट्रा टाइम है जो हम आराम करते हैं या फिर टी टाइम हम उसके लिए बोल सकते हैं और फोर थर्टी से लेकर सिक्स ओ क्लॉक ये एक और डेढ़ घंटे के अंदर सारे दो लाख डब्बा आपके घरों में डिलीवर किए जाते हैं सो so यहाँ पर छः बजे का एक बैरियर दिया गया हुआ है जैसे एक बजे से पहले डिलीवरी होनी चाहिए वैसे ही छः बजे के पहले डिलीवरी हंड्रेड परसेंट होनी ही चाहिए बिकॉज छः बजे के बाद किसी के घर में जाना ये सबसे बड़ी बुरी बात है तो छे बजे के बाद डब्बा दे छह बजे पहले ही डब्बा देके अपने घर अपने फैमिली के लिए समय आपको देना चाहिए ये हम सब लोग फॉलो करते हैं नेक्स्ट वन प्लीज साउंड प्लीज देखिए ये काम कैसे होता है एग्जैक्टलीफिश exactly. For most Indians, there's nothing better than home cooked food. So every morning at around 9 a.m., 4,000 men set out to collect over 175,000 packed lunches from homes and kitchens all across the suburbs. Sandwiches and mass produced fast food are frowned upon. Instead, using these ingenious containers, known as tiffin boxes, an entire three course meal can be prepared to your exact requirements and then shipped across town. But that is no easy task. Once the Tiffin boxes are picked up, they are taken to the nearest railway station. Here they are sorted. The service is run by a group of men known as Tiffin Wallace most are illiterate, and so a complex set of markings has emerged that determines where each tiffin box has to end up. the tiffin wallahs are nearly all from the same caste. it's a tight-knit community, and the tiffin service is run with military precision. the whole tiffin network runs without any bosses, and yet every day all 175,000 lunches are successfully delivered throughout the city, in the space of just two hours. Once the trays of tiffins arrive in the downtown stations, they are then sorted again according to their destination. Some lunches will change hands up to four times, and yet somehow only one error is made in every eight million deliveries. this extraordinary network runs so reliably and efficiently that it has been studied by economists across the world and all this so the workers of mumbai can eat a three-course home-cooked meal for lunch and wherever they are in the city a little piece of home is never far away so actually a yeah, delivery concept ये जब डिलीवरी हम करते हैं तो विदाउट टेक्नोलॉजी विदाउट पेपर विदाउट प्लास्टिक नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट और 130 साल से सभी के सभी हमारे कस्टमर 100 परसेंट सेटिसफाइड माने जाते हैं नेक्स्ट वन प्लीज ये चीज़ आपने पहली बार आप आग देख रहे हो नेक्स्ट वन प्लीज दीज आर दी अनोन फैक्ट आपने कभी ये डब्बा के बारे में कभी सुना नहीं होगा सी आर रेट दैट इज सिक्सटी लाख साठ लाख डब्बा डिलीवर होने के बाद गलती से एक गलती डब्बालाज में होती है ऐसे माना जाता है साठ लाख डब्बा डिलीवर करने के बाद इट्स अ बटर दैन सिक्स सिग्मा यू नो सिक्स सिग्मा मींस वन टू थ्री डिफेक्ट्स इन वन मिलियन ट्रांजेक्शन बट वी आर डूइंग वन डिफेक्ट्स आफ्टर सिक्स मिलियन ट्रांजेक्शन सो इट्स बेटर देन सिक्स सिग्मा सो आर एक्यूरेसी रेट इज दैट इज नाइनटी ये हमारा है एक्सटर्नल एक्सिलेंस लेवल सो इंटरनली वी आर मोर देन नाइनटी परसेंट फिट एंड एक्सटर्नली नाइनटी नाइन परसेंट फिट सो बिकॉज ऑफ दैट डब्बा ऑलाज आज पूरे वर्ल्ड में फेमस का कारण है नो स्ट्राइक रिकॉर्ड आज तक किसी भी डब्बा वाल ने कभी भी स्ट्राइक नहीं की कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए हमें इतना पैसा मिलना चाहिए हमें यह होना चाहिए हमें वो जाना चाहिए कभी भी डब्बा वाले ने किसी भी टाइप की स्ट्राइक नहीं की है एंड नो रेजिग्नेशन आज तक किसी भी डब्बा वाल ने रिजाइन नहीं किया है बिकॉज वी डोंट हैव एनी मैनेजर्स नो सी नो डायरेक्टर्स सो बिकॉज ऑफ दैट नो फ्रस्ट्रेशन नो टेंशन नो एनी टारगेट्स सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो एनी रेजिग्नेशन No age limit for the work. You can start it by 18 years of old. Up to you want, you can work. Still 85 years old, the is working with us. He is thinking about, I am a, a soldier of Shivaji Maharaj. And my God is waiting for me. Still he is working with us. And no resources, only with the help of bicycle, we are beating Six Sigma. So first in India, we have got the Six Sigma certificate from the Forbes. And so can you imagine? Ki, सिर्फ और सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करके आज इतना बड़ा स्टैंडर्ड लेवल आज डबॉलॉर्ज ने हासिल किया है नेक्स्ट वन प्लीज सो हाउ वी रिक्रूट द पीपल ये सबसे बड़ी एक चैलेंज है कि वी नीड वेरी डेडिकेटेड पीपल सो हाउ वी रिक्रूट द पीपल सो वी गिव ऑनली फाइव ट्रेनिंग टू दैम सो इन फर्स्ट टू डेज वी गिव नॉलेज अबाउट द सप्लाई चेन एंड कोडिंग सिस्टम कोडिंग सिस्टम टू दैम बट ऑन थर्ड डे तीसरे ही दिन हम हमारे कस्टमर से कहते हैं कि आपको ये बंदे से झगड़ा करना है जो नया बंदा आज आपके घर आने वाला है उसके साथ आपको झगड़ा करना है बिकॉज यू नो वाई बिकॉज हाउ वी हैंडल द सिचुएशन दैट वी वॉन्ट टू चेक बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग उसको विदाउट ट्रेनिंग दिए हुए ये बंदा किस तरह से खुद का ही दिमाग इस्तेमाल करके ये सिचुएशन किस तरह से हैंडल करता है दैट वी चेक ऑन थर्ड डे ऑन फोर्थ डे उस बंदे की साइकिल को पंक्चर किया जाता है बिकॉज वी वॉन्ट टू चेक विद इन वन आवर हाउ हाउ वी कलेक्ट फोर्टी लंच बॉक्स विद्लैट टायर ये हम चेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसी के वजह से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और पांचवें ही दिन से वर्क लोड दिया जाता है कि आपको आज चालीस डब्बा नहीं तो साठ सत्तर डब्बा पिक करने होते हैं बिकॉज ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन है क्योंकि काम करते समय कभी ज्यादा लोड आ जाए या फिर कभी टाइक साइकिल पंक्चर हो जाए कभी कस्टमर झगड़ा करे तो आपको किस तरह से काम करना है ये सिचुएशन विदाउट ट्रेनिंग हम जानना चाहते हैं और एक बार जानने के बाद उनको सर्विस में एज अ डब्बा वाला एड किया जाता है नेक्स्ट वन प्लीज़ सो तो प्रिंस चार्ल्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि प्रिंस चार्ल्स मुंबई में आए थे उन्होंने डबौलस से साथ मुलाकात की थी तो ये सबसे बड़ी एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि लंदन के राजा डबॉलस के साथ मिलने के लिए उनके साथ उनके फुटपाथ पर आके वो मिले थे बिकॉज उन्होंने एक फरमाइश भी भेजी थी कि हमें डबोला से मिलना है बट हमारे डबोलस ने कहा था कि हम उनसे नहीं मिल पाएंगे बिकॉज उनको अगर मिलना है तो हमारे दिए हुए समय पर ही उनको आना होगा और उनको समय दिया गया था मॉर्निंग 11:30 से लेके 11:50 के बीच में 20 मिनट्स ही उनको दिए गए हुए थे और वो 20 मिनट के भीतर ही प्रिंस चार्ल्स की मीटिंग हमारे साथ फोर्थ नवंबर 2004 में हो गई थी नेक्स्ट वन प्लीज सो वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अगर ऐसा देखा जाए तो मोर देन वी हैव है सर्टिफिकेट्स इन ऑफिस बिकॉज वी नेवर वर्क फॉर द सर्टिफिकेट्स वी वर्क फॉर कस्टमर ऑनली नेक्स्ट वन प्लीज वी आर मूविंग फास्ट बिकॉज वी हैव ऑनली फाइव टू सिक्स मिनट राइट नाव So these are the 50 people who influenced the Mumbai in all of the world you can see सी is on the top in that picture because ये 50 लोग हैं जिन्होंने मुंबई का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है जिसमें डब्बा वाला उसका भी जिक्र आसानी से किया जाता है next one please in 2010 थाउजेंड टेन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ग्यू चांस टू to वालाज टू रिप्रेजेंट और महाराष्ट्र कल्चर इन फ्रंट ऑफ दिल्ली तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने दिल्ली में किया था Next one, please. देर आर वेरियस न्यूज चैनल्स बीबीसी आज तक डिस्कवरी नेशनल जोग्राफी इन सारों ने आज डब ऑल एस के ऊपर केस स्टडी की हुई है और डब्बा ऑल को फैलिसिट किया गया है नेक्स्ट वन प्लीज सो सर रिचर्ड ब्रांसन ही इज अ चेयरमैन ऑफ वर्जीन एयरवेज ही ऑल्सो ट्रेवल अलॉन्ग विद डबा ऑलाज फॉर टू डेज उन्होंने डबॉल एस के साथ दो दिन के लिए ट्रैवलिंग की थी और वो एक डब्बा उनके हाथ में आप देख सकते हो ये वही डब्बा है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मुंबई में आके उन्होंने डिलीवर करने का एक नया कंसेप्ट उन्होंने दिखाया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बिकॉज ही वॉन्टेड टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज़ जैसे कि हम अगर किसी हम, हम अगर हम रिलायंस कंपनी में अगर हम काम करते हैं अगर रिलायंस कंपनी में अगर मुकेश अंबानी जी अगर वो खुद आके आपको डब्बा आपके टेबल पे रख देंगे तो आपके लिए एक बड़ा एक अवसर होगा तो इसी तरह से उन्होंने एक, एक एग्जाम्पल उनके लिए सेट किया था नेक्स्ट वन प्लीज़ डच क्वीन क्वीन मैग्जीमा शी वॉज ऑल्सो मीटर्स इन टू थाउजेंड एटीन ऑन प्लेटफॉर्म िकॉज वो टाइम वो इंडिया के टूर पर थी तो उस टाइम उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी नेक्स्ट वन प्लीज देर आर वी हैव टू हंड्रेड थाउजेंड कस्टमर सो बिकॉज ऑफ दैट देर आर वेरियस कंपनीज दे वॉन्टेड टू टाइप विथ अस टू एडवर्टाइज देर प्रोडक्ट्स सो पिज्जा हट दे कंप्लीट देर नाइन थाउजेंड स्टोर इन मुंबई सो बिकॉज ऑफ दैट चूज द डबा वालाज नेटवर्क फॉर द एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट वन प्लीज सी आर डबा वालाज वी थिंक अबाउट द पीपल वी थिंक अबाउट द गॉड सो बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो वी फोस ऑन दिए एक्टिविटीज सो वी हैव रोटी बैंक फूड बैंक Then, also, there was a flood in Kerala, in Maharashtra. Also, so on that time, the, our people they think ki what we can do for them. So, on that time, all the Dabawlas they are earning very low amount, they are earning only 15,000, 20, uh, 20 uh, up to 20,000. But they think about donation. So, every Dabawala, they collect 20 to uh, 20 rupees. So, 5,000 into 20 it would be 1 lakh rupees they donated for the Kerala flood victim. And, the thing, when the flood came in Maharashtra 50 lakhs of Dabawlas through. नेक्स्ट वन प्लीज़ हमारी रोटी बैंक है जो आपके किसी भी शादी में या फिर किसी फंक्शन में अगर खाना बच जाता है तो वो खाना फेंकने से अच्छा आप डब्बा वालों को कॉल करो डब्बा वालों को खाना कलेक्ट करके आपको देने का काम मतलब गरीबों में बांटने का काम ये रोटी बैंक के माध्यम से किया जाता है नेक्स्ट वन प्लीज़ लंच विद द हंगरी चिल्ड्रंस वंस इन अ वीक मतलब हमारे डब्बा वालों को ही कहा गया है कि जो प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे सोते हैं उनको घर का खाना नसीब नहीं होता उनके लिए हमें कुछ तो करना है तो हर एक वीक में आपको दो लंच बॉक्स कैरी करने होते हैं वंस इन अ वीक तो एक लंच बॉक्स आपके लिए है और एक लंच बॉक्स उन बच्चों के लिए हम दे सकते हैं तो रोजाना 400 से लेके 500 हंड्रेड डब्बा एक्स्ट्रा लंच कैरी करते हैं उन बच्चों के लिए नेक्स्ट वन प्लीज आई एन डिजाइन शेयर माई डब्बा कंसेट फॉर कस्टमर्स बिकॉज कस्टमर का कहना है कि उनके डब्बास में भी ज्यादा कभी खाना आ जाता है तो वो खाना अगर हमने वैसे ही घर पे भेजा तो दूसरे दिन से हमारा लंच बॉक्स हमारे लिए नहीं आएगा

वो कर डब्बे के ऊपर जानबूझकर बुझ स्टिकर लगा के वो डोनेशन का काम करते हैं लेट्स सी विदाउट स्पेंडिंग सिंगल रुपी विदाउट स्पेंडिंग सिंगल रुपी वी ऑलमोस्ट वी आर फीडिंग मोर देन सिक्स टू सेवन थाउजेंड पीपल एवरी डे एक भी रुपया खर्चा ना करके सात सात आठ हजार लोगों को खाना देने का काम आज डब्बॉल मुंबई में करते आ रहे हुए नेक्स्ट वन प्लीज नेक्स्ट कोविड आने के बाद जिस तरह से सर ने कहा कि हमने सी एस आर फंड के थ्रू नाइन्टी करोड़ रुपीज़ इकट्ठा करने के बाद हर एक फैमिली को हर डबाउलस के फैमिली को उनको तकलीफ ना हो तो महीने भर का राशन उनको दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको टैब दिया गया उनके साइकिल खराब होने की वजह से क्योंकि दो साल से सर्विस हमारी बंद थी तो दो साल में उनकी साइकिल पूरी तरह से भंगार हो चुकी थी तो न्यू साइकिल उस डबाउलस को दिए गए हर डबाउल को दो साइकिल देनी पड़ती है बिकॉज सुबह पिक करने के लिए और शाम को दोपहर को डिलीवर करने के लिए हर डब्बा वालोंस के लिए यूनिफॉर्म हमने डब्बा वॉल्स के लिए दिए गए डब्बा वालों उसको एक नया लेवल पर जाना लेके जाना है उसके लिए डब्बा वालों उसको डिजिटल डब्बा डिजिटल डब्बा वाला बनाना है उसी लिए हर एक डब्बा वालों उसको मोबाइल फ़ोन भी दिया गया और हर एक डब्बा वालों उसको सिक्योर करने के लिए उनको मेडिकल से लेके हर एक हर एक टाइप की सिक्योरिटी आज उनको प्रोवाइड की गई ये काम हमारे संस्था ने किया कोविड में ताकि उनका जो रोजगार गया हुआ है उनको तकलीफ ना हो बिकॉज उनके पीछे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है बट उनको ऐसा ना लगे कि हमारे पीछे हमारे देखने वाला कोई नहीं है तो इसी तरह से आज डब्बा वालाज उनके लिए काम कर रहा है आज फोर्थ जनरेशन इस सिस्टम में काम कर रही है तो हमारा यही काम है कि एक नया कंसेप्ट उनके लिए लाया जाए नेक्स्ट प्लीज़ यू कैन सी इन द पिक्चर्स हाउ वी वर्क फॉर देम सो डब्बा वालाज नाव वी स्टार्टेड द न्यू कंसेप्ट ऑल्सो हम वेजिटेबल डिलीवरी भी करते हैं मिल्क डिलीवरी भी करते हैं कुरियर डिलीवरी भी आज डब्बा वालाज के थ्रू किया जाता है डब्बा वाला ड्राई फ्रूट करके हमारा एक नया कंसेप्ट आज मुंबई में वर्किंग है नेक्स्ट वन एंड एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग आज मुंबई में लाने जा रहे हैं दैट इज सेंट्रलाइज किचन नेक्स्ट प्लीज़ ये सेंट्रलाइज किचन आज मुंबई में हो जाएगा शुरू क्योंकि 130 साल में डब्बा वालाज ने किया था सिर्फ डब्बा डिलीवर बट नाउ डब्बा वालाज दे आर गोइंग टू कुक द फूड आज हम डब्बा बनाने भी जा रहे हैं एक होम कुक फूड आज हम लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं घर का खाना आज हम मुंबई के लोगों को देना चाह रहे हैं तो इस तरह से सेंट्रलाइज किचन के थ्रू 2000 से ज्यादा जॉब हम लोग मुंबई में क्रिएट करने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय में आप न्यूज में देखोगे कि मुंबई के डब्बा वाला आज डिजिटल डब्बा वाला बन गए हैं ये सेंट्रलाइज किचन नॉट ओनली वर्क इन मुंबई सो वी वील स्टार्डीद इन अदर सिटीज अदर कंट्रीज ऑल्सो ये कंसेप्ट आज पूरे दुनिया में लेके जाने का ये हमारा सबसे बड़ा मानस है सो थैंक यू नेक्स्ट वन प्लीज सो यही तो हम क्या सीख सकते हैं डब्बा वाला से तो यही सबसे बड़ी हम सीख सकते हैं कि कस्टमर सेंट्रिसिटी कस्टमर को सेंटर में रख के ही हमारे हर एक प्लान को हमें डिज़ाइन करना चाहिए कमिटमेंट वर्क विद द पैशन बिकॉज अगर हम किसी के दबाव के अंदर अगर काम करेंगे तो हम कभी हासिल हमारा सक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वर्क विद द पैशन कमिटमेंट हार्ड वर्क करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलेगा हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नसीब नहीं होगा बाकी ये सब तो हमें करना ही है स्पीड से काम करना है टाइमली हमें चेंज होना है टाइम मैनेजमेंट को टीम में मतलब टाइम टीम वर्क ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हॉनेस्टी ह्यूमिलिटी सिम्प्लिसिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें भूलना नहीं है तो इस तरह से कोलैबोरेशन अकाउंटेबिलिटी ये सारी चीजों को मकते अगर हम लोग नजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो हंड्रेड परसेंट हम सक्सेस को अचीव करेंगे सो नेक्स्ट वन प्लीज थैंक यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ गेस्ट स्पीकर आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द डब्बा कि डब्बा वालास किस तरह से वर्किंग है थैंक यू थैंक यू सो मच एक इंसिडेंस आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा विन आई डिड माई के स्टडी तो मैंने कुछ क्वेश्चन हमारे कस्टमर से किए थे बिकॉज मुझे मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना था क्वेश्चन एयर बनाने थे बट मैंने दर सारे क्वेश्चन नहीं बना के सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया सर वाई यू आर यूजिंग द डबा वाला सर्विस आप डबा ऑलॉज की सर्विस क्यों जा कर रहे हो क्योंकि लंच भी आपका है फूड खाने वाले भी आप ही हो तो आपका डबा ऑलास का क्या कनेक्शन है सो ही सेट डबालाज आर वेरी मीन डबा वॉल आर वेरी एक्सीलेंट आई सेट वाई दे आर एक्सीलेंट ही सेट वेन आई फॉर गेट माई वॉच माई लैपटॉप माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट माई होम तो ये सारी चीज़ें मेरी वाइफ मेरे तरफ भेज देती है विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी इट्स अ फ्री एंड वैल्यूटेड सर्विस फॉर मी और सेम क्वेश्चन आई आस्क टू नेक्स्ट कस्टमर सो ही सेट डबल इज अ गॉड फॉर मी आई सेट वाई डबल इज अ गॉड फॉर यू सो ही सेट बिफोर टेन टू फिफ्टीन ईयर्स बैक जब मुझे सैलरी कैश में मिलती थी तो सैलरी में खुद के जेब में ट्रेन में चले जाने के बाद वो चोरी होने के चांसेस ज़्यादा लगते थे मुझे बट मैं क्या करता था वही सैलरी वो, वो डब्बे में डाल के मेरे घर पर भेजता था क्योंकि मुझे हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट है डब्बा ओलास का कि वो कभी मेरा लंच बॉक्स ओपन नहीं करेंगे और एक दिन तो ऐसा कस्टमर ने कहा कि आज डब्बा वालस के वजह से आज मैं हूँ और मेरी फैमिली है मैंने कहा कैसे आप सभी ने लंच बॉक्स में भी देखी होगी कि उसमें देखा होगा कि किस तरह से मैसेज को ट्रांसफर किया जाता था नाइनटीन के पहले क्योंकि एक दिन ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि एक कस्टमर का तगड़ा झगड़ा हुआ था उनके वाइफ के साथ उन्होंने सोचा उनके वाइफ ने कहा कि मैं अभी मायके चली जाऊंगी मुझे नहीं रहना आपके साथ बट सुबह उठते ही वो अपने बंदे वो जो आ, कस्टमर थे वो अपने जॉब चले गए उन्होंने सोचा कि अपना आज डब्बा तो नहीं आएगा लेकिन वाइफ ने सुबह ही उठते ही उनके लिए लंच बनाया और उसके अंदर एक चिट्ठी भी लिख दी कि जो भी कुछ रात को हुआ उसको भूल जाओ ये पैर से बनाया हुआ लंच आज खाइए घर का खाना मेरे हाथ से पैर से बनाया हुआ है आप खा सकते हो और जैसे ही उस बंदे ने देखा कि मेरा लंच बॉक्स आ गया तो लंच बॉक्स आने के बाद उन्होंने सोचा चलो ठीक है लंच तो आ गया है लंच बॉक्स ओपन होते ही ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने सोचा चलो वाइफ ने अपनी गलती मान ली है तो मैंने मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना है तो उन्होंने भी दो मूवी के टिकट खरीदे उसमें डाल के अपने वाइफ को भेज दिए और शाम को बोल दिया कि शाम को मैं आ रहा हूँ मूवी देखने जाना है सो थैंक यू थैंक यू सो मच गायस थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू रितेश सर थैंक यू सो मच इसीलिए मैंने पहले ही कहा था मुंबई डब्बा वाला इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन इमोशन राइट बहुत सारी भावनाएं बहुत सारी इमोशंस कई सारी ऐसी स्टोरीज जो है इंस्पायर करती है हम सबको विदाउट फर्दर ड्यू नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इन कॉमर्स डॉक्टर विशाल खासगी वाला सर टू डिलीवर वॉट ऑफ थिंग्स विशाल सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या बोलना चाहिए सेशन के बाद अरे आवाज तो ऐसी बुलंद होना चाहिए जिसकी कोने कोने तक आवाज आना चाहिए मैंने मैनेजमेंट की इतनी सारी किताबें पढ़ी है पर आज जो पढ़ा है वह शायद उस किताब से ज्यादा भारी है इसके लिए एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजना चाहिए ये इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है अभी तो जिंदगी का सार बाकी है मुझे पता था आप लोगों को अच्छा लगेगा यहां से चले हैं मिनट आप लोगों के लिए बाहर अच्छी सी व्यवस्था करिए बेल की तो प्लीज बेल लेके जाइएगा अभी तो जिंदगी का सार बाकी है यहां से चले हैं यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है आ, शब्द कम पढ़ जाएंगे तारीफ करने के लिए पर मैं इतना ही कह पाऊंगा कि ये रियल नॉलेज है जो आपको एक घंटे में मिला है जो शायद आप कितनी भी किताब पढ़ ले टाइम मैनेजमेंट की पढ़ ले लीडरशिप की पढ़ ले वर्क इथिक्स की पढ़ ले ये सारी कम होगी इतने कम समय में उन्होंने सारी चीज़ देने की कोशिश करी है ये हमारे ये जब जो सब पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ हुआ है हमारे होली डिवाइन श्री हरिप्रसाद स्वामी जी परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी परम पूज्य त्यागल्लभ स्वामी जी के आशीर्वाद के बिना यह भव्य आयोजन होना पॉसिबल नहीं था और आज हमारे जो डिग्नेटरी साहब बैठे हैं उनके सहयोग के कारण से ये सब कुछ हो पाया है तो हमारे टीचर्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स और उससे ऊपर सारे स्कूल्स के ट्रस्टीज प्रिंसिपल्स एच स्टूडेंट्स जिसने अपना समय निकाल कर सीखने की कोशिश करी लिखने के लिए आए उन सब के लिए मैं एक बार फिर से आपसे अनुमोदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली अपने खुद के लिए बजाए थैंक यू वेरी मच अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं देखिए है, जिस तरह से मैंने कहा था कि हमारी जो कैप है यह हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है तो मैं रामदास जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी डिग्निटीज़ आज डाइसपर है उनका सम्मान आज हमारे तरफ से डबल प्लस की तरफ से आज कॉलेज का किया जा रहा है तो ये व्हाइट कैप आप ज़रूर लीजिएगा सर हैविथर्स आर रजिस्ट्रा सर डॉक्टर दिव्यांग सर वी वेलकम यू सर आचार्य सर वेलकम आचार्य सर To mark the conclusion of this event, now I would request my technical team to play the national anthem. ઓલ ફેકલ્ટીઝ સ્ટાફ મેમ્બર્સ એઝ એઝ વેલ એક ખાસ અગત્યની સૂચના જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે એ પ્રસાદ લીધા વગર ના જાય તમારા લેફ્ટ એટલે મારી લેફ્ટ સાઇડ તમારી રાઈટ સાઈડ પ્રસાદમ ત્યાં ઓર્ગેનાઇઝ કરેલ છે પ્લીઝ પ્રસાદી લઈને જોજો અને જેટલા પણ સ્કૂલના કોર્ડિનેટર્સ અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે ફેકલ્ટીઝ આવેલા છે શિક્ષકો આવેલા છે इमने हूँ निमंत्रित करूँ चु अहिया स्टेज पर आए और फोटो सेशन माटे ज्वाइन करे जितने भी टीचर्स आए हैं स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के टीचर्स हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर आप आए स्टेज स्टेज के पास और फोटो सेशन के लिए जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं स्कूल से आए हुए उसको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आ जाए फोटो सेशन के लिए